जया, जया दय जगनाथ शिरानन्द Chakras, Nada, Padma, Ga. जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन् जय गौर से कृष्ण श्री जगन् Krishna hare hare Rama hare Rama 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 hare hare Krishna hare Krishna 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 hare 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 krishna you... यमुना तीराबना चारिराब हरे किता हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 पावन संकीर्तन जय परमहंस शत डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी हरिनामसंकीर्तनके जयों विष्णुपादपरमहंसपरिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीशमद् अवयचरणारविन्दभक्तिवेदान्तस्वामिशीलप्रभुपादके अनन्तकोटिवैष्णववृन्दके नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य शिखुः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतराधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंदक्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंडराधा कुंडगिरी गोवर्धन की भूमि गो कुंद गो गो वृंदावन धाम की मथुरा धाम पुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम की श्री की भक्ति देवी तुलसी देवी की Samavita, Bhakta, all Glories to टो Devotees All Glories to टो Devotees All Glories to सम्बल Devotees All Glories, All Glories, All Glories To श्री गुरु and श्री Gauranga

जय जय नित नंद जय चंद्र जय गौर बिंद गौरव भक्त बिंद गौर भक्त बिंदन महाप्रभु की श्री चैतन महा श्री श्रीगौरपुरमहामहोत्सवकी ओमज्ञानतमिरन्दस्य ज्ञानान्दनशलाकया चक्षुवन्मीलितं येन तस्मै श्रीकवे नमः श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः सीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णु पय कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदातस्वामतिना नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषन्यवादी पाश्चातरिणे नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण नामने गौरत्षे नम हे कृष्णकुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकास्तु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानोसुते देवी प्रणमा प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जयश्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाहर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सब लोग पीछे बोलिए नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यौर नमः रूप सनातन गोस्वामियों ने महाप्रभु के समक्ष ये सुंदर प्रार्थना को अर्पित किया राम के लिए में उन्होंने बोला नमो महावद आप सबसे उदार हो सबसे बड़ा दानी हो आप तो महाप्रभु ने बोला मैं तो फ़कीर हूँ दानी कैसे हो सकता हूँ है नहीं मेरे पास कुछ भी तब उन्होंने बोला आप किसका दानी हो आप महावद्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे आप क्या दान करते हो सब जीवों को कृष्ण प्रेम का दान आप करते हो और आप कृष्ण प्रेम ही नहीं देते हो लेकिन साथ साथ आप कृष्ण भी हो ऐसे बोला उन्होंने उन्होंने पूछा ऐसे आप लोग कैसे बोल सकते हो कि मैं कृष्ण हूँ मैं तो गोरा रंग का हूँ सुनहरा रंग का लेकिन कृष्ण तो शाम सुंदर थे बोल सकते हैं ना इसे? इसलिए उन्होंने बोला कृष्णाय आपका नाम है कृष्ण चैतन्य और नाम ने कृष्ण चैतन्य नाम से आप आए लेकिन आप गौरत विषय न मतलब है आपका वर्ण क्या है गौरव आप अपने आप को छुपा नहीं सकते भक्त लोग जरूर पहचान लेते हैं कि आप साक्षात कृष्ण ही हो ऐसे एक गीत में मीराबाई भी गाती है मीरा मीराबाई एक गीत में बोलती है अब तो हरि नाम धुन लो लागी साधो हे कृष्ण आप सदा मुरली बजाते हो लेकिन अब दूसरे तरीके से आप हरिनाम लेकर आए हो कृष्ण तो हरिनाम गाते नहीं मुरली बजाते हैं, हम लोग जानते हैं हुँ? लेकिन इस बार आप कैसे आए हो हरिनाम लेकर आए हो बोलते हैं सब जग बोलत तो माखन चोरा नाम धरो वैरागी बोलते हैं कि सारे दुनिया आपको माखन चोर नाम से पुकारता है हा? लेकिन अभी तो आप एक वैरागी बनकर आए हो ऐसे बता दिए हाँ कहा चाडी वह मोहन मुरली अच्छा आप तो आए हो शाम सुनते, लेकिन मुरली किधर है आपके पास कभी आपने देखा है कृष्ण मुरली के बिना ऐसे ही कड़े हैं स्ट्रेट हाँ। देखा आपने हमेशा माधव राधा माधव मुरली बजाते हैं ना हाँ। किधर छोड़ दिया आपने मुरली को कहा चाडी सब गोपी आप कभी भी अकेले नहीं रहते वृंदावन में सदा गोपियाँ रहती हैं आपके निकट गोपियाँ किधर है मुरली किधर है मोर मुंडाई गोर कटिबाँदी माने ना मानी गोपी बोलते हैं कि आप अपने गुंगुराले बाल के नाम के कारण आपका नाम पड़ा केशव केशव नाम का मतलब क्या है जिनके बाल घने बादल के बराबर गुंगुराले बाल हैं खूबसूरत हैं लेकिन उसको आपने मुंडन कर दिया आपने और हाँ आपने एक पीतांबर के बदले आपने क्या बांध लिया एक भगव कपड़ा बांध लिया आपने हुँ? इस तरह ऐसे गीत जाता है आगे हाँ? माता यशोरमती माकन चोर है न बांधी जाकी बा शाम की शोर भये न गोरा चैतन्य जाको नाम अभी अब चैतन्य नाम से आप आए हो ऐसे बोलकर लास्ट में देखिए क्या बोलती है पीतांबर को भाव दिखावे बस गोरे कृष्ण के दासी मीरा जस न कृष्ण बने न बने अब तो हरि नाम दुनू लोला गाती हो लास्ट पैरा में दो क्लाइड हिमसेल्फ इन टॉन लॉइन क्लॉथ इज येलो गार्मेंट एस वेल एज इज इनर लविंग सेंटिमेंट्स आर रिवील टू मी मेरा भाई इज़ द मेट सर्वेंट ऑफ गोल्डन कृष्णा चैतन्य वेद आर द ग्लोरी ऑफ माई कृष्णा इज रेकग्नाइज बाई ऑल आर नॉट वो बोलती है कि हालांकि वो ऐसे अपने पिता के बदले भगवे कपड़े कर आए हैं उनके अंदर की भाव भगवान ने मुझे प्रकट किया है अंदर की भाव क्या राधा जी की भाव के साथ आए हैं तो मेरा भाई ऐसे सोनहरा कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के एक सेविका है चाहे दुनिया के लोग जाने या ना जाने लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे बताती है इधर भी बताती है कि लगता है कि यशोदा माँ ने इन माखन चोर की दोनों हाथों को बांध दिया है लेकिन मेरे श्याम सुंदर अभी एक गौर सुंदर के रूप में अवतरित होकर चैतन्य नाम लेकर आए हैं ऐसे बता रहे हैं तो इस तरह अनेक लोगों ने पहचाना चित्र महाप्रभु के अवतरण को देख कर हाँ। कल हमने जिधर छोड़ा उधर से हम जारी रखेंगे तो एक श्लोक के ऊपर हम विस्तृत कर रहे थे वंदे गुरु भक्तान ईशम ईशावतार प्रकाशम शक्ति तो छह विषय के बारे में गुरु के बारे में चर्चा की तो भक्तों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे गण और साधक भक्तों के बारे में बोलते समय कल में ईश भक्तान वंदे गुरुन ईश भक्तान तो ईश भक्तों के बारे में मैं बता रहा था कि महाप्रभु सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ प्रेम का आस्वादन करने के लिए आते हैं भक्तों की गुणाधिशियों भी दुनिया को दिखाने ले आते हैं मेरे भक्तों के मेरे उच्चा के होते हैं प्रेमी भक्त बोलते हैं क्या अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं लेकिन मतलब एक ही है जो भक्त इस दुनिया के भी भौतिक चीज़ों से आकर्षित नहीं होते हैं लेकिन भगवान के प्रेम में ही डूबे रहते हैं उनको कहते हैं इस दुनिया के ही नहीं वो लोग भुक्ति मुक्ति सिद्धि किसी का भी अपेक्षा नहीं करते हैं ऐसे बक्ता हूँ तो एक एक छोटा कहानी बोलूँगा आप लोग तुरंत तो समझ जाएंगे। एक पिताजी के पाँच बेटे थे ये बेटों का अलग अलग बेटों का अलग अलग इच्छा था तो मैं आपको बता दूँगा क्या क्या इच्छा था और उसके अनुसार आपको बाद में बोलना पड़ेगा कि इच्छा किस संबोधित करता है ये बेटा जो था पिताजी के पैसा चोरी करके लेके जाता था वो खाता था पीता था सुता सिगरेट फूँकता था शराब पीता था लेकिन पिताजी को कभी देखता नहीं था चौथा बेटा जो था बहुत आदर देता था पिताजी को लेकिन जब खुद को कुछ चाहिए तब आता था अगर कुछ नया मोबाइल निकला होता आता था पिताजी पिता पिता के पास पापा एक नया मोबाइल निकला है पिताजी पूछते थे क्या चाहिए बेटा चाहिए क्या आपको हाँ चाहिए ले लेता था, था निकल जाता था और एक साल के बाद पापा एक नया बाइक निकला है तब तो आता था नहीं तो नहीं पिताजी के साथ तो उसका औपचारिक संबंध था सिर्फ कुछ सामान एकत्र करने के लिए तीसरा बच्चा जो होता तीसरा बेटा वो क्या करता था पिताजी को पूछता था कि पापा आपके पास इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं आप कैसे संभाल पाओगे मैं आप थोड़ा मेरे नाम में भी लिख देना <laughs> थोड़ा बैंक अकाउंट भी मेरे नाम में लिख देना हम भी थोड़ा पैसा को भी कंट्रोल करते हैं लोगों को भी कंट्रोल करते हैं पिताजी बोलते थे बेटे आप छोटे हो बड़े होने के बाद देखेंगे नहीं नहीं पापा साथ में लेके जाइए कम से कम थोड़ा देखते हैं जब हो सकता है मेरे नाम में लिख भी दीजिए तो बहुत उसका उत्साहित पूरा कंट्रोल लेने के लिए दूसरा वाला बड़ा ख़तरनाक बेटा था वो वो क्या करता था पिताजी के समक्ष कभी आता नहीं था वो हमेशा पीछे छुपे रहने का लेकिन कंपनी में जाकर बोलता था मैं आप मालूम है मैं मालिक का बेटा आया हूँ हाँ। बोलता था वो दिखाओ अकाउंट कितना पैसा है दिखाओ ज़मीन कितना है कितना इंडस्ट्रीज में क्या क्या है तो उसने ऐसे कुछ योजना बनाया कि सबके सारे पिताजी के प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए खुद के नाम है पिताजी को उड़ा दिया जाए उसका योजना था किसका दूसरे वाला तो सबसे बड़ा जो था ज्येष्ठ पुत्र जो था वो एकदम शांत स्वभाव स्वभाव का था वो कुछ पिताजी से अपेक्षा ही नहीं था उसका घर में शांत से रहता था पिताजी इतने उसको विश्वा विश्वास करते थे कभी कभी बोलते थे बेटा बीस करोड़ लेके आओ उस बैंक से पचास करोड़ डालो बैंक में उसके पास जितना पैसा देना हो दे सकते थे एक भी पैसा बर्बाद नहीं करता था वो पिताजी की मन की बात समझकर चलता था वो हमेशा कुछ अपेक्षा नहीं था उसका तो पिताजी कभी कभी घर आते समय देखते थे कि बेचारा एक चटाई में लेटा है कोने में तो सरल भोजन का था घर में खुद के लिए कुछ चाहता नहीं डिमांड नहीं करता पहला बेटा इतना ही नहीं पिताजी से प्रेम के साथ बात करता था जब पिताजी बुलाते थे कार में जाता था जब पिताजी नहीं बुलाते थे घर में जाता था। जो बोला सो करो ऐसे बेटा था और एक दिन पिताजी ने बुलाकर पूछा उस बेटे को बेटे आप तुम तो कुछ मांगते नहीं एक ही बार तुमने दस बीस लाख मांगा मुझे और वो भी खुद के लिए नहीं छोटे भाई को बिजनेस में लगाने के लिए है और वो छोटा भाई वो दस लाख उठा कर भाग गया हो वो भी तो खुद तुम खुद के लिए कहीं मांगा नहीं है आज पूछो तुमको जो चाहे मैं दे दूंगा तो बेटा बोला कि आपसे क्या मांगू मैं मुझे जो भी चाहिए आप तो देते रहते हो हमेशा हम इसके विरुद्ध हम लोग सोचते हैं कि हमने आपके लिए कुछ नहीं किया है आप तो इतने अच्छे पिता हो ऐसे उसकी बात सुनकर पिताजी की आंखों में आंसू आया हूँ तो यह पांच बेटे की कहानी जो बोला मैंने इससे समझने लायक बहुत महत्वपूर्ण सीख है हमारे जीवन में तो सबसे पहले आपको पूछेंगे सबसे बड़ा ये जो पिताजी जो है वो कौन है वह भगवान है कृष्ण हैं है। तो पांच का का है? कर्मी है कर्मी नास्तिक है, है? वो सिर्फ भगवान देखो भगवान रोशनी दे रहे हैं सूर्य से चंद्रमा से भी रोशनी दे रहे हैं बारिश दे रहे हैं धान्य दे रहे हैं तरकारी फल इत्यादि अगर काता पीता है पूछता भगवान की तरह कितना <laughs> मूर्ख है निपट मूर्ख है, है, है ना ये है मानता नहीं उनको हाँ सब कुछ उनसे लेने का भोगने का लेकिन उनको मान सम्मान नहीं देने का उनको और चौथा चौथा कौन है हाँ कर्मकांड किसने बोला हाँ चौथा वाला आस्तिक है पांचवा नास्तिक है चौथा वाला आस्तिक आस्तिक मतलब वो भगवान को मानता है लेकिन भगवान को मान कर वो भोग करता है बोलता है कि भगवान को आप ही सबके लिए पिताजी हैं आपसे नहीं मांगेंगे तो किसके मांगेंगे हम सही बात है ना आपके पास ही मांग सही है क्या देखिए सही बेटा बच्चा जो होता है मांग के बिना पिताजी उसको दे देते हैं लेकिन उसको मालूम नहीं वो सोचता है कि हमको मांगते रहना चाहिए बार बार जाकर मांगता ये दीजिए जैसे अनेक लोग मंदिर में आते हैं हमारे मंदिर में छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ऐसे एकदम ध्यानपूर्वक प्रार्थना करते हैं एक बार हमने देखा पूछा उनको छोटी बच्चे आती अरे आप लोग सात आठ बच्चे आ गए वो तो दूसरी कक्षा के हैं मैंने पूछा रेगुलर आती हो आप उनको लड्डू दिया एक एक वो बोल रहे अंकल आपको मालूम नहीं आज हमारा परीक्षा है आज परीक्षा नहीं तो नहीं आती वो हैं इस तरह लोग कुछ अपेक्षा करते हुए आते हैं भगवान हमको परीक्षा में पास करा दो नौकरी दिला दो विवाह करा दो विवाह हो गया पाँच साल हो बच्चा नहीं हो तो बच्चा दिला दो और बच्चे को भी पढ़ाई अच्छा मार्क मिले उसका भी नौकरी लग दो लगा तो लोग सोचते हैं कि भगवान इसलिए खड़े हैं मंदिर में उनकी सब मांगों की पूर्ति करना बस इसलिए खड़े हैं तो उनको मालूम नहीं है कि भगवान भगवान के साथ प्रेमय संबंध जोड़ना चाहिए उनको मालूम नहीं है ये पा ये चौथा आदमी जो है चौथा लड़का आता था, था मंदिर में आने का ये मंदिर नहीं अपने पिताजी के पास आने का मांग कर लेके जाने का बस पिताजी उसको कोच नहीं थे ठीक है आदर देता है आ, आ, प्रेम से बात करता है लेकिन खुद के लिए आता है स्वार्थी है वो चौथा वाला भी स्वार्थी होता है निस्वार्थ नहीं है तीसरा वाला कौन है हाँ योगी लोग कंट्रोल चाहते हैं जैसे विश्वामित्र है त्रिशंकु को उसने उन्होंने एक स्वर्ग कर दिया है ना उन्होंने भगवान इतने ग्रह बनाया मैंने भी कुछ कम से कम एक बनाना चाहिए मुझे भी ऐसे उनको इच्छा हुई है तो योगी लोग पानी के ऊपर चलना चाहते हैं हवा में उड़ना चाहते हैं कुछ नाटक दिखाना चाहते हैं दूसरों को देखियो हम भी कम नहीं हैं हम भी कुछ कर सकते हैं हम बस में बनाएंगे हाथ से नहीं तो हम आ, किसी को सोना देंगे ऐसे ही तो प्रौपा जी के पास एक पीसी सरकार करके एक ये आया था प्रभुपा जी को मिलने के लिए एक मजिशियन जादूगर बोलते हैं उसको जादू जादूगर दिखाने वाला तो प्रोपाजी ने उसको पूछा क्या क्या तुम कर सकते हो वो बोला स्वामी जी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ ऐसे कुछ छोटे लड़कियाँ को बुलाकर उनके जो जटा होता है ना ऐसे करता तो उसे सोने के सिक्के गिरते थे ऐसे okay. और एक टोपी रखता था टोपी टोपी को निकाल कर कुछ नहीं रहता था ऐसे टोपी रख कर निकालता एक तो खरगोश रहता था होता था ऊपर से नीचे ऐसे ये सब कर सकता था वो है लोग देख कर ऐसे ताली बजाते थे सब ऐसे अनेक चमत्कार करता था वो तो आप एक्चुअली मैजिशियन लोगों को पूछेंगे वो बोलेंगे इस मैजिशियन क्या करते हैं आपकी आंखों में मिट्टी डालकर कुछ चीटिंग करते हैं आपको मालूम नहीं पड़ेगा कैसे करते हैं उनका एक तरीका होता है उसका तो प्रभाजन ने उनको पूछा कि आप इतने विविधता तरीके के जादू दिखाते हो तो मैं एक जादू दिखाऊंगा क्या आपने दिखाया क्या तो उन प्रभाजन ने शिष्यों को बुलाया अमेरिकी शिष्यों को अमेरिकी शिष्य लोग एकदम क्लीन शेव करके कंटी माला और तिलक पीड़ बाग लेकर प्रभा ने बोला देखो ये सब ये सब पहले हिप्पी थे इन हिप्पियों को हमने हैप्पी बना दिया हरि नाम देकर तो प्रभु ने उनको पूछा कि क्या इस तरह इंसान के हृदय में परिवर्तन ला सकते हो क्या तुम हां? जो लोग बिगड़ चुके थे उनको सुधार ला सकते हो वो बोला स्वामी जी ये मैं नहीं कर पाऊंगा बोला ये हमारी बस की बात नहीं है हम तो खुद को सुधर नहीं पा रहे हैं दूसरों को क्या सुधार वो मान लिया है सही ढंग से हाँ इसलिए ये जो योगी लोग जो हैं इस दुनिया में थोड़े समय के लिए नाटक करते हैं इसे हैं हाँ? तो वो तीसरा लड़का कंट्रोल चाहता था वो है ना और दूसरा वाला कौन है हाँ सब लोग समझ गए मायावादी <laughs> मायावादी क्या चाहता है खुद ही भगवान बनना चाहता है वो सोचता है कि पिताजी के पास इतना संपत्ति क्यों हो, होना चाहिए सब कुछ मेरा बनना चाहिए तो पिताजी से ईर्ष्या करता था वो जब घर में अचानक पिताजी आ जाते जा आज देखता था वह आ गया अभी। इसके बदले मैं इसके स्थान में बैठना चाहिए उसको उड़ा दो मैं बैठ जाऊँगा उसका ऐसे घृणास्पद ग्रिन, भावना था तो भगवान बोलते हैं नौवें में गीता में इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्षा अनसूय ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्षशे अशुभात बोलते हैं कि अर्जुन मैं तुमको गीता सिखा रहा हूं क्यों क्योंकि अनसू ये तुम्हारे अंदर मेरे ऊपर ईर्ष्या नहीं है ऐसे बताते भगवान भगवान तो गीता बताते हैं कि कुछ जीवों के अंदर ईर्ष्या भावना है भगवान से वो सोचते हैं कि अमेरिका में हमारे भक्त लोग किताब वितरण कर रहे थे तो एक व्यक्ति कोई तो सिनेमा में हीरो था वो हो, हैं उसको कृष्णा बुक दिखाया उसको वो पूछा कि ये कौन कड़ा है इसका फ़ोटो निकल के मेरा फ़ोटो लगाओ ऐसे बोल रहा हूँ ऐसे किसके ऊपर ईर्षा कर रहा है भगवान के ऊपर ये मायावादी लोग हैं तो ये दूसरा वाला मायावादी है खुद ही मायावादी क्या चाहते हैं इस दुनिया में भोग करना उतना बुद्धिमत्ता नहीं है क्योंकि इधर भोग करने वाले चिल्लर वाले हैं चिल्लर जानते हैं आप चिल्लर वाले मतलब छोटे छोटे मोटे छोटे लोग हैं हम इसको एकदम कठोर तपस्या करके जैसे हिरण ने भी क्या किया अभी पहले हम कठोर तपस्या करके सारे दुनिया को हमारे वश में लाएंगे, है ना ऐसे इस तरह से मायावादी लोग भी चाहते हैं कि इस दुनिया से ऊपर उठकर हम उधर ब्रह्म में लीन होकर सदाकाल के लिए हम स्वतंत्र रहेंगे लेकिन भगवान को शरण नहीं जाएंगे। उधर शांत शांति शांति खुद को ही भगवान बांध लेना ऐसे तो भोगी इस दुनिया में सुख चाहता है और ज्ञानी इस दुनिया के दुखों से निवारण पाकर ब्रह्म में लीन हो उधर शांति चाहते हैं लेकिन ब्रह्म में लीन होना किसके बराबर है एक तोता अगर पेड़ के अंदर घुस गया तो क्या एक हो जाता है क्या पेड़ के साथ एक नहीं होता वो उसका अस्त रहता है जैसे प्पा जी बोलते हैं कोई देख रहा है एरोप्लेन ऊपर उड़ता है ऐसे धीरे 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 ऊपर उड़ता है बोलता है कि अभी आ, लगता है कि आ, आकाश में समा गया हो नहीं है अभी दूसरे देश में उतरने वाला नीचे हो इस तरह का जो आ, जो व्यक्ति ब्रह्म में लीन के लिए जाता है सदा नहीं रहेगा वो आरुख्य क्षेत्र परम पदम ततः पतनती है दो इसलिए उसको बोलते हैं मुक्ति इसको बोलते हैं बुक्ति तो पांचवा और चौथा वाला दोनों भुक्ति वाले हैं भुक्ति कामी एक बुक्ति कामी है नास्तिक है दूसरा भुक्ति कामी आस्तिक है दोनों अंतवा भोग ही करना चाहते हैं दोनों में से श्रेष्ठ कौन है आस्तिक वाला आस्तिक वाला कम से कम मानता है कि सब किसने दिया है वो नास्तिक से श्रेष्ठ है लेकिन ये जो तीसरा वाला बोला उसको बोलते हैं सिद्धि कामी दूसरा वाला मुक्ति कामी तो चैतन्य चरता महाप्रभु बोलते हैं सनातन को बोलते हैं सब लोग पीछे बोलिए मुक्ति सिद्धिकामी। मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अत ये बशांत बोलते हैं अरे पांचवा चौथा वाला मुक्ति कामी दूसरा वाला सिद्धि कामी तीसरा वाला सकल अशांत बोलते हैं आप बोल सकते हैं क्यों सकल अशांत है कारण क्या है कारण क्या है सब के सब लोग स्वार्थी हैं कामी अपने भोग के बारे में सोच रहा है सिद्धि कामी अपने पास सिद्धि आना चाहता है हा? और मुक्ति कामी अपना दुखों से निवारण पाकर खुद शांत रहना चाहता है कोई भी इन लोगों में से भगवान के बारे में परवाह नहीं करता कोई भी भगवान को बोलता है तुम तुम्हारा दुख हम अपना देखेंगे ऐसे लोग हैं चार के चार लोग हैं लेकिन भगवान के भक्त जो है वो व्यक्ति होता है सदा चौबीस घंटा वो भगवान का ही स्मरण चलता है उसके उसके दिमाग में सोचता है कि भगवान की माता कौन है भगवान के पिता कौन है भगवान के प्रिय शक्ति कौन है भगवान के मित्र कौन है भगवान क्या चोरी करना चाहते हैं गोपियों के घर में भगवान की लीला क्या है भगवान के गुण क्या है सदा भगवान के बारे में स्मरण करने के कारण उसको क्या होता है अंतिम काल में भी वही स्मरण आकर उसको भगवत धाम में लिखे जाता है यू आर वेर यूर माइंड इज रिपीट हाँ अगर मेरा मन भगवान में डूब कर रहेगा मेरा चित्त एकदम भगवान में प्रविष्ट हो जाएगा तो हम अंतिम काल में भगवान का चिंतन करते हुए उसी धाम में जाते हैं जिधर भगवान नित्य निरंतर काल के लिए वसन करते हैं लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ अगर कोई व्यक्ति इस दुनियादारी चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा हमेशा भोग करने के लिए वो इस दुनिया में वापस लौट आता है अगर कोई भगवान को चाहता नहीं घृणा करता है मैं खुद ही मुक्त मुक्त होना चाहता हूँ वो मोक्ष के लिए ब्रह्म में लीन होता है कुछ समय के लिए लेकिन उधर क्रिया ना होने के कारण वो तो क्रियाशील आत्मा है क्रियाशील आत्मा को अगर क्रिया नहीं मिल रहा है तो उसका पतन होता है वापस इस दुनिया में आकर वापस वो क्रिया में लग जाता है ऐसे तो सिद्ध कामी जो होते हैं उनको सिद्धियाँ प्राप्त होते हैं लेकिन सिद्धियाँ तो सदा काल के लिए नहीं रहेंगे मिट जाएंगे धीरे धीरे जैसे विश्वामित्र के पास सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी वो झगड़ा कर रहा था इसके साथ वशिष्ठ के साथ ईर्ष्या तो मिटा नहीं है जब तक हमारे हृदय में कामक्रोध लोभ मद मोह सरिया इत्यादि रहेगा ना कोई शांत नहीं रह सकता कृष्ण भक्ति एकमात्र एक व्यक्ति है जिसके हृदय पूरा निर्मल है किसी भी स्वार्थ इच्छाओं से भरा नहीं है वो कृष्ण के कृष्ण के भक्तों के हृदय में निस्वार्थ भावना है अगर इसको जानना हो तो हमको भागवत पढ़ना पड़ेगा भागवत में पढ़ते हैं एक प्रार्थना है इनका वृतरासुर जो कृष्ण के शुद्ध भक्त वो महाभागवत है वो बोलता है न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सावभौम न रसाधिपत्यम नोग सिद्धिर्पुनर्भव समंजसत्वा विरह्य कांक्षे बोलता है वो न नाकपृष्ठ मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए देखिए ये प्रार्थना में जो लोगों ने पहले मांगा है वो सब नकार दिया इसने वो ध्रुव ध्रुव महाराज को ध्रुव ध्रुवलोक चाहिए था भगवान ने दिया था वो ये बोल रहा है कि मुझे ध्रुव ध्रुवलोक नहीं चाहिए उसके आगे बोल रहा है कि सत्य लोग नहीं चाहिए जिधर ब्रह्मा जी रहते हैं श्रेष्ठ लोक है वो वो भी नहीं चाहिए मुझे और न सार्वभौम मैं इस दुनिया का भी राजा नहीं बनना चाहता मैं बोलता है और न रसाधिपत्यम बलि महाराज को आपने राजा बनाया किधर हाँ स्वर्ग में वो भी मुझे नहीं चाहिए ऐसे सबको न कर रहा है वो और आगे क्या बोल रहा है न आधिपत्यम ना योग सिद्धि मुझे अष्ट सिद्धि की जरूरत नहीं है मैं ऐसे बड़े योगी नहीं बनना चाहता आप भा। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए ऐसा नहीं कि ब्रह्म होकर शांत हो जाओ वो भी नहीं चाहिए मुझे हा? तो आप पूछेंगे अरे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए और क्या चाहिए क्योंकि इस दुनिया में तो लोग रखते हैं मुझे बनना है हा? मुझे इंद्र बनना है हा? मुझे ब्रह्मा बनना है मुझे कुछ सिद्धियां चाहिए अगर इन्होंने सब ना कर दिया कुछ नहीं चाहिए ऐसे कोई है क्या इस दुनिया में जो कुछ भी नहीं चाहने वाले महाप्रभु बोलते हैं न जनाम न जन्म न सुंदर एम कविताम सब बोलते हैं अच्छा कुछ नहीं चाहिए न जन्म आपको और क्या चाहिए हैं चाहे तो इसको मोक्ष चाहिए होगा नहीं मोक्ष भी नहीं चाहिए बोल दिया उसने और क्या चाहिए मम जन्म नि जन्म निश्वरे भगवतात भक्ति आहित बोलेंगे जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद मैं सिर्फ आपकी सेवा करते रहूँ यही मेरा एकमात्र इच्छा है हाँ आपसे तो भक्त का मतलब है वो भगवान की प्रेममय सेवा करना चाहते हैं बस दूसरा कुछ नहीं चाहते हूँ ये हमको जानना बहुत आवश्यक है आज के दिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये सिखाने के लिए आए ये राधा जी की स्वभाव है राधा जी के हृदय में कृष्ण की सेवा को छोड़कर ऐसे बता गया कि राधा जी के हृदय में कृष्ण का स्फूर्ति कैसे होता है उसके बारे में चैतन्य चरतामृ में वर्णन है गया कि अगर एक स्पॉन्ज को पानी के अंदर डुबाया जाए हुँ? कितना पानी रहेगा उसमें पूरा है ना भर के भर के, ऐसे सदा सा, कृष्ण का चिंतन उनको होता है कृष्ण की लीलाओं का चिंतन उनका मन में होता है और उनके आंखें जिधर भी पड़ता है उधर तुरंत कृष्ण तुरंत होते हैं उस स्थान में जैसे एक चैतन महाप्रभु ने उसको प्रकट किया किसी पहाड़ को देखते थे तो तुरंत ये क्या आ जाता था, था, था उनको घोर ने सोचा था किसी भी नदी को देखते थे तुरंत क्या सोचते थे यमुना किसी भी बा, बा, बगीचा को देखते थे नहीं तो पेड़ पौधों को देखते थे तुरंत उनको हा? कहीं भी कुछ कोयल का कुहू आवाज सुनते थे तो मुरलीबाज सोचते थे कृष्ण के ऐसे तो इस तरह राधा जी की स्वभाव ऐसा है एक दिन राधा जी ने ललिता विशाखा को बोला हे hey, ललिता देखो उधार आ रहा है देखो तो उन्होंने देखा है वो बोला नहीं नहीं ये तो गना बादल है आकाश में तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सही ढंग से देखा नहीं वापस देखो उनका पीताम्बर चमक रहा तो गोपियों ने देखा वो बोला नहीं नहीं वो तो गना बादल में और शाम की सूर्य का अस्तमन होते समय चमक दिखता है ना वो चमक वो दिख रहा है वो लोगों ने बोला वो बोली नहीं नहीं तुमने देखा नहीं ठीक ढंग से देखो वो वनमाला पहना गर्दन में तो सब लोगों ने देखा वह नहीं वो रेनबो है इंद्रधनुष ऐसे बोला उन्होंने तो इस तरह वो शाम की आसमान को देख कर उनको श्याम सुंदर का स्फूर्ति हुआ ऐसे इसलिए ये जो गीत लिखा उन्होंने रूप गोस्वामी ने तुंडे तांडवनी रतिम्बितुते तुंडा बलि लबे कारणा क्रोडाकदं बिनि गटयते कारणार्बुदेव्यस्पृहां चेतप्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतेम नोजाने जनिता कियद् ही कृष्णे तिवर्णद्वये तो ये दो शब्द में कितना शक्ति है करके राधा जी बोल रही अपने सखियों को कृष्णा 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 हे बोलिए कृष्णा 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 कृष्ण

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण 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 हे तो इस तरह है, बोल रहे है कि ये दो शब्द में बहुत बड़ा शक्ति है वो बोल रहे है कि इसको इस कृष्ण इस शब्द जब मेरे कान में प्रवेश करता है मेरे हृदय में प्रवेश करता है वो वो मेरे सारे इंद्रियों को मन को चित्त को चोरी कर लेता है मैं बहुत बेहोश हो जाती हूँ ऐसे बोलती है तो इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त के परिभाषा चैत्र महापुर ने खुद ही दिखाया राधा जी के भाव को लेके आकर तो भगवान के भक्तों का आप सोचेंगे भगवान से कुछ नहीं चाहिए हमको बस सेवा चाहिए बस अगर आप गहराई से देखेंगे इसके बारे में इस दुनिया में भी माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को भी वो निस्वार्थ प्रेम देना चाहते हैं आप देख सकते हैं निस्वार्थ प्रेम में ही असली मजा है असली आनंद है हाँ। आप भारत में देखेंगे आप अनेक माताएं जो होते हैं माता पिता सिर्फ इतना ही इच्छा करते हैं कि बेटा बेटी जो है वो बड़े हो जाए उनका विवाह हो जाए वो सेटल हो जाए शांति से रहे कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं हाँ। कुछ कुछ माता पिता होते हैं बोलते हैं सोचते हैं कि बड़ा होकर अच्छा कमाएगा पैसा देगा हम कमेरे का ले कर जाएगा ऐसे कुछ लोग सोचते हैं लेकिन ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं नब्बे प्रतिशत लोग जो देखा जाता है कि वो निस्वार्थ होता है प्रपज बोलते हैं कि माता और बच्चे के बीच में जो प्रेम है वो निस्वार्थ है प्रपज बोलते हैं वो भी भौतिक है फिर भी वो भौतिक स्तर पर निस्वार्थ है लेकिन वॉट इज साउंड कमी लेकिन आप आप देखेंगे आध्यात्मिक स्तर पर जब हम निस्वार्थ प्रेम को सीखते हैं तो वो ही प्रेम हमको असली आनंद दे सकता है इसलिए हम सबका नाम क्या है दास और सब माताओं का नाम है दासी प्रभा जी ये संस्था में ऐसे नाम दिया है सबके लिए ऐसे तो कभी कभी ऐसे असली घटना भी घटा है पुणे में ऐसे हुआ एक बार एक बार ट्रेन में जाते समय मैं, मैंने हमारे नाम दिया था राधे श्याम दास करके बुलाया उनको संडे को आने के लिए तो बार सही था आ गए एक व्यक्ति तो हमारे इंफॉर्मेशन सेंटर में जाकर पूछा कि कैन आई मीट मिस्टर दास ऐसे पूछा उन्होंने तो वो बोले कि मिस्टर दास हमारे मंदिर में सब मिस्टर दास हैं तो उन्होंने सोचा ये बंगाली होंगे शायद इनका नाम है दास है उनका मालूम नहीं था कि इस कान में दृष्टि होने के बाद हम लोग नाम क्या देते हैं राधे श्याम दास ऐसे वो मेरा नाम बोल गए दास याद आया उनको ठीक है हमारी इन्फॉर्मेशन सेंटर के लोगों ने पूछा कि वो कितना है वो लम्बा चोटाया है नहीं उतना लंबा नहीं बोला है, ठीक है वो काले हैं पूछा है वो बोला थोड़ा गोरा है वो पूछा वो चश्मा पाने है? चश्मा नहीं है बोला तो चश्मा पाने हाँ सिर्फ पांच लोग हैं हमारे आश्रम में ऐसे वो बोले कि अभी पांच दासों को लाएंगे अभी पूछा ऐसे थोड़ा मोटे हैं है। थोड़ा पतले हैं थोड़े पतले हैं और दो ही लोग हैं ऐसे तो वो लोगों ने मुझे बुला दिया प्रभु जी आपको बुलाकर दास करके बुला कर आया है तो मैं आते ही वो लोग पूछोगे साम जी आपको पहुँचाने के लिए इतना टाइम लग गया मैंने बोला देखिए मंदिर में सबके सब, सब लोग दास हैं तो अगर हम भगवत धाम में भी जाएंगे आपका नाम पूछेंगे नाम क्या है आपके नाम के साथ क्या होना चाहिए हाँ अगर दास नहीं होगा तो बोलेंगे अभी तक दास दास ही नहीं बना आप वापस लौट जाओ हा? हा? थोड़ा पक्का होकर आओ ऐसे बोलेंगे इतना ही नहीं आपको बोलना पड़ेगा वो लोग पूछेंगे अंदर क्यों जाना है भगवत धाम में काम क्या है पूछेंगे अगर कोई बोलेगा अरे इतने जन्म मृत्यु चक्कर काट कर आवागमन इतना हो हो कर हम लोग थक कर आए हैं थोड़ा इजी चर दो हम थोड़ा आराम करेंगे तो वो लोग बोलेंगे वापस लौट जाओ सही अभ्यास करके आओ आपको क्या बोलना पड़ेगा सेवा, सेवा करना है मुझे तो पूछेंगे किसकी सेवा करना है अगर आप बोलेंगे वो तो हमेशा मुस्कुराते हैं मुरली बजाते हैं घुग्राले बाल वाले हैं पीतम्बर पहने हुए हैं नीलमणि हैं हमारे कृष्ण सिर्फ हम उनको पसंद करते हैं बाकी सब भक्तों के साथ जमता नहीं हमको ऐसा अगर आप बोलेंगे वाह क्या बोलेंगे आपको वापिस लौट जाओ थोड़ा प्रिपेयर करके आओ हाँ? तो इसलिए सावधानी से सही चीज़ से हम बोल बोलना पड़ेगा हमको क्या बोलना पड़ेगा किसको सेवा करना है हरि, गुरु वैष्णव तीनों को हमको सेवा करना है उसके बाद पूछेंगे कितने समय के लिए आपको सेवा करना है ठीक है एक दो हफ्ते कर लेते हैं <laughs> तो वापस लौट जाओ बोलेंगे हाँ? आपको क्या बोलना पड़ेगा हैं हाँ? हाँ काल तक हम सेवा करते रहेंगे बस और वो भी साधारण सेवा नहीं प्रेममयी सेवा लविंग डिवोशनल सर्विस सब कुछ हम भक्तों के साथ भगवान के साथ गुरु के साथ जो करते हैं उसको क्या सेवा देना पड़ेगा हमको और लविंग हाँ हमें नहीं सोचना चाहिए कि करना पड़ता है ऐसे कुछ लोग बोलते हैं आई एम सपोज टू डू ऐसा नहीं है प्रेम से करना पड़ेगा सेवा तब आपको देखेंगे और वो भी और एक बात पूछेंगे अभी मंत्र बोलो गुरु मंत्र बोलो वो बोलेंगे नवा ओम विष्णुपदाए कृष्ण पृष्ठ आय भक्ति भक्तिवेदा हाँ ये तो ये इस्कान भक्ति वेदांत स्वामी ये तो हमारे प्रभु जी के लोग हैं ठीक है चल परमिशन ग्रांटेड चलो है ना इसलिए भक्त का असली मतलब क्या है जानना बहुत है भुक्ति मुक्ति सिद्धिका में सकली कृष्ण भक्त निष्काम ये सिखाने क्या ले आए चैतन्य महाप्रभु कुछ इच्छा नहीं प्रौपा जी को भी पूछा गया उनके अंतिम काल में स्वामी जी आपको अभी शरीर कभी भी आप छोड़ने वाले हैं आपका लास्ट इच्छा क्या है डॉक्टर ने पूछा भक्तों के समक्ष प्रभपा ने बोला कुछ इच्छा नहीं बोला मेरी सब इच्छाओं को भगवान ने पूर्ति कर दिया मैंने किताब सब लिखने की इच्छा की किताब लिख दिया संस्था को कड़ा करने की इच्छा की संस्था कड़ा कर दिया और मेरे शिष्य जो हैं बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास कर रहे हैं मुझे विश्वास है कि लोग इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे प्रचार प्रसार करके सारे दुनिया में फैलाएंगे मुझे विश्वास है मुझे अभी कुछ इच्छा नहीं है बस बोल दिया तो जिसके हृदय में बाकी कुछ बहुत ही कुछ इच्छा नहीं है वो किधर जाएगा भगवान के पास चला जाएगा वो ना? इस तरह हम लोग भी इस दुनिया से ऊपर उठना चाहिए जैसे वृद्धासुद का प्रार्थना बोला मैंने उसका यकी इच्छा था उसका क्या है अहम हरे तव पादयी कमूल दासानुदास भूय मनस्मरे आसुपतेर्गुणस्ते वृणीतगा गृणी तम करो तो <तुकाया> यह बोलता है वो मैं भगवान के भक्तों के दास बनना चाहता हूँ दास अनुदासो भवितास्मी भूय वही मैं इच्छा करता हूँ <coughs> क्योंकि भगवान के भक्तों का दास बनूंगा वो लोग तो भगवान को भगवान को खुश कर रहे हैं मैं उनको सहयोग दूंगा सेवा में तो वो भी भगवान का ही सेवा हो गया लेकिन मुझे भगवान को कैसे कुछ करना मुझे मालूम नहीं इसलिए भक्तों का सेवक बनूंगा मैं ऐसे बताते हैं वो और मेरे मन से भगवान का चिंतन करूंगा वाणी से भगवान के नामों का उच्चारण करूंगा शरीर से भगवान की सेवा, सेवा में जुड़ूंगा विविध सेवाओं में बस इसको छोड़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी अगर हम गृहस्थ हैं बीवी हैं बच्चे हैं बिजनेस हैं तो क्या हम भगवान से मांग नहीं सकते इसमें सक्सेस भक्त जानता है कि भगवान के नेतृत्व में ही हम लोग सब चीज़ कर रहे हैं इस दुनिया में हम उनके ही बच्चे हैं अभी बच्चे जो हैं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे माँ बाप को मांगते नहीं कुछ मांगे बिना माँ बाप उनको जो चाहिए वो दही देते हैं जैसे हमारे घर में समर वेकेशन जब आता था हम माता से कुछ मांगते नहीं थे लेकिन माता अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर बड़े बड़े डब्बा में रखती थी वो हैं तो शाम को हमको खुद बनाकर बोलती थी देखो डब्बा रखा है आगे उसको खोल कर देखते थे क्या क्या होता था अंदर हैं सब विविध विविध पदार्थ तो हम बोलते थे माता को आप चिंता मत करना हम देख लेंगे उसको है? सब बच्चों को बाप बुला कर बिटा तो माता पिता बच्चे के शुभ चिंतक होते हैं सदा है? इस तरह भगवान भी योगा तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए मुझे यह चाहिए वो चाहिए ça, हमें चिंता करना चाहिए भगवान को कैसे खुश किया जाए यही आप देखेंगे अच्छे परिवार में बच्चे किसके बारे में सोचते हैं माता पिता के बारे में सोचते हैं माता पिता किसके बारे में सोचते हैं बच्चों के बारे में सोचते हैं पति पत्नी में पत्नी किसके बारे में किसकी भलाई के बारे में सोचती है सोचना चाहिए किसकी पति की पति किसकी भलाई सोचना चाहिए बात नहीं की अभी प्रभु रामचंद्र जा रहे हैं जंगल में वो क्या बोलना चाहिए सीता को सीता दंड तो मेरे लिए है तुम्हारे लिए नहीं तुम ठहर जाओ तीनों माता हैं महल में टहरो ये चौदह साल तो एक क्षण जैसे मिट जाए बीत जाएगा मैं आ जाऊँगा ऐसे बोलते हैं प्रभु रामचंद्र है सीता को नहीं बुला रहे हैं रामचंद्र नहीं बोला कि मैं जंगल जा रहा हूँ अभी कौन कुकिंग करेगा मेरे लिए कैसे रहूँगा वो ऐसे नहीं रो रहे हैं रामचंद्र वो किसकी भलाई सोच रहे हैं सीता और सीता किसकी बलाय सोच रहे हैं सीता बोली आपको अकेली कैसे मैं छोड़ सकती हूँ मैं तो आपके साथ सामने जाऊंगी कुछ कांटा आएगा तो कांटा को मैं निकाल दूँगी ताकि आपके पाँ में नहीं चुभेगा वो हाँ ऐसे वो सोच रही है तो ये चैतरमा आपने ये बात सीखा है हमको निस्वार्थ प्रेम कृष्ण की ओर प्रकट करना यही असली शुद्ध भक्त का लक्षण है एकांति एक नो कंचनार्थम वाछंतीय भगवत्पन्ना अत्य्भुत तच्चर सुमंगल गायन ऐसे एक सुंदर श्लोक गाता है गजेन्द्र ये कांतिनो वाचती न कंचनाथ वाच्ती कुछ भी इच्छा नहीं करता भगवान शुद्ध भक्त ऐसे बताते हैं क्यों भगवत प्रपन्ना वो भगवान चरणों में आश्रित है हुं? भगवान के चरित चीचण में आश्रित उनको क्या प्राप्त हो रहा है बताता है तत्चरितम सुमंगलम भगवान की चरित्र मिलेगा उनको सुनने के लिए कथा कथा में क्या रखा है बोल रहे हैं कि गायंत आनंद समुद्र मगना वो आनंद का समुद्र है पूछो मान भगवान की कथा के अंदर भगवान के दिव्य गुण हैं भगवान के गुण गुणाइशों को लीला कथाओं को सुनेगा कोई है? तो उसको सुनने से इतना परमानंद प्राप्त होगा इस दुनिया के सारे चीज़ें फीके आएंगे उसको ऐसे बता रहा है इसलिए भगवान की भक्तों का असली लक्षण यह है जो हमने आज बताया चैत्र महाप्रभु के शिक्षाओं में ये प्रथम शिक्षा है खास शिक्षा है मुख्य शिक्षा है तो हम लोग प्रेम की प्राप्ति चाहे कृष्ण प्रेम विना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास को मोरे देय प्रेम धन ऐसे बताते हैं कि कृष्ण प्रेम बिना कृष्ण प्रेम अगर आपको मिला नहीं हमारा जीवन दरिद्र है और व्यर्थ है ऐसे बताते हैं लेकिन अगर कोई कृष्ण की सेवा करके भगवान को प्राप्त करता है तो भगवान को क्या याचना करता है हे भगवान मुझे वेतन चाहिए क्या वेतन चाहिए कृष्ण प्रेम का वेतन चाहिए ऐसे तो ये भगवान के ईश भक्तों का लक्षण है भगवान के भक्तों का तो ये हमने भगवान के भक्तों के बारे में कल सुना और आज भी कल मैंने कुछ अलग अलग भक्तों के संबंध में बताया था मैंने गदाधर पंडित कैसे भागवत में रुचि लेते थे हाँ श्रीवास ठाकुर कैसे शरणागत थे कैसे आचार्य प्रभु जाति पाति ना देखते कि हरिदास ठाकुर को श्राद्ध पत्र दिए हाँ और नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रचार काम में जुड़कर बद्ध जीवों को भगवान से जोड़ा उन्होंने उसके लिए कितना तकलीफ उठाया उन्होंने ये सब भक्तों का लक्षण है ये सब वक्त ये सब करते हैं निस्वार्थ प्रेम के कारण भगवान के निस्वार्थ प्रेम एक एक उदाहरण देते हैं जीव गोस्वामी एक व्यक्ति गांव छोड़कर शहर में गया और एक चौकीदार बना चौकीदार जानते हैं ना आप लोग चौकीदार बना कहीं तो उसको ऐसे पाँच हज़ार रुपया पगार मिलता था उसको तो वो गाँव में सोचता था कि मेरे बीवी बच्चे हैं उनको अच्छा रखने के लिए मुझे पैसा भेजना पड़ेगा तो हज़ार रुपया अपने पास रखता था और चार हज़ार बेच देता था किसको पत्नी बच्चों को हुँ? तो हज़ार में क्या जाएगा वो एक छात्र रहता था मच्छर काटते थे उसको गटर बहता था पानी है दिन में एक ही बार अच्छा खाता था, था बाकी दो टाइम पानी पीने का, तो का नहीं तो कोई दूध पी लेने का बस ज़्यादा नहीं खा पाता था क्योंकि तीन बार खाना तो पैसा और खर्चा होगा हज़ार रुपये में अपना जीवन यापन करता था तो खर्चा खुद के लिए कम करता था पतला हो चुका था चाल में रहता था लेकिन मुस्कुराता था वो क्यों उसके मन ही मन विचार आता था कि मेरी बीवी अच्छा साड़ी पहनेगी बच्चा अच्छा दूध पिएगा वो तंदुरुस्त रहेंगे तो उनके सुख में ये खुद सुख पाया कौन यही चाहू तो ये उदाहरण जीवक स्वामी देते हैं उनके संदर्भ में देते हैं ये उदाहरण क्यों हा? वो बोल रहे हैं कि भगवान के भक्तों को भी इस भावना को अपनाना चाहिए कि भगवान के सुख में ये सुख पाना चाहिए जैसे भक्त लोग भगवान को श्रृंगार करते हैं आपने देखा है ना हमारी पुजारी लोग कितना सुंदर श्रृंगार श्रृंगार करते हैं हैं उनके लिए उनको नहाते हैं दुलाते हैं कपड़े पहनाते हैं आभूषण पहनाते हैं बड़े हार बनाकर माताएं हार बनाती है उसको पहनाते हैं भगवान को हा? और भगवान की पूजा आराधना करते हैं अच्छे अच्छे भोग कराते हैं भगवान को हँ तो खुद को अपेक्षा ना करते हुए उनके सुख में खुद सुख पाना इसको तत्सुखी सुखी बोलते हैं ये हमारे सिद्धांत है रूप गोस्वामी बताते हैं इसको जोड़कर मोक्षवाछा और भुक्ति दोनों को पिशाची बोलते हैं कौन रूप गोस्वामी दोनों पिशाच के बराबर बोलते हैं अगर किसी के अंदर भोग की नहीं तो मोक्ष की इच्छा हो ये जिस व्यक्ति के अंदर भूत चढ़ जाता है इसके समान ऐसे बताते हैं ऐसे हाँ। एक श्लोक भी है पिशाची पहले मतिच्छन्न हाई ऐसे हाँ। एक श्लोक है ये पिशाची अगर पिशाच किसी के अंदर चढ़ गया हो उसका व्यवहार ही अलग हो जाता है ना उसका भाई बह करता है ना इस तरह इस दुनिया के सब लोग भाव करने वाले होते हैं क्योंकि वो या तो भुक्ति नहीं तो मुक्ति के पीछे पड़े हैं सब लोग लेकिन भगवान के भक्त भुक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए उसको सिर्फ सेवा चाहिए उसको वो ही शांत रह सकता है वो ही असली परम निस्वार्थ प्रेम का आस्वादन करते हुए आनंद प्राप्त कर सकता है ये भगवान के ईश्व भक्तों का लक्षण है और आगे ईशावतार के बारे में वर्णन है उसमें अभी हम आपको एक और एक स्लाइड शो दिखाएंगे आपको भगवान के इतने कृष्ण के इतने अवतार हैं लेकिन अवतार क्यों भगवान लेकर इस दुनिया में आते हैं विविध रूपों में क्यों आते हैं भगवान उसका भी कारण शास्त्र में बताया गया है कि हम सब लोग अपने असली घर जो है वैकुंठ है भगवान के नाम उसको छोड़कर इधर आए हैं अपने बच्चों को अपने बहुत सुंदर लीलाओं को प्रकट कर करके अपने बच्चों को आकर्षित करने के लिए भगवान आते हैं जैसे वृंदावन में कल भी हम बता रहे थे विविध लीलाएं भगवान करते हैं ना उन लीलाओं के द्वारा भगवान जीवों को आकर्षित करते हैं ऐसे कुंती मन नहीं स्टॉप में बोलती है भगवान के क्यों आने का कारण क्या है अनेक कारण बोलती है वो पहले बोलती है भगवान दुनिया में इसलिए होंगे वधा य चसुरशाम असुरों को वध करने के लिए अपर वसुदेवस्य से तो देवक क्या माचित होगा देवक की वसुदेव ने उनको विनती किया कि हमारे घर में बच्चे बनकर आइए तो भगवान इसलिए आए हैं और एक श्लोक में बोलती है ब्रह्मा जी और भूमि सब दुग्ध सागर के सामने समक्ष जाकर भगवान विष्णु को प्रार्थना किया कि कंस बहुत त्वंस मचा रहा है आप उनको उनको ठीक तरह से करने के लिए आप भगवान के अवतार भेजिए इसलिए भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुई है ऐसे अनेक कारण बोलते हैं भूमि का बाढ़ बढ़ जाता है कभी कभी धोखेबाजी करने वाले जूटी जूटे बात करने वाले चोर लोग नास्तिक लोग उनका संख्या बढ़, तो बढ़ जाता है तो भूमि का भार बढ़ जाता है तो भूमि इंसान नहीं कर पाती है भूमि को बड़े बड़े पहाड़ समुद्र इत्यादि से समस्या नहीं लेकिन जो लोग भक्त हैं उनसे समस्या है भूमि का है तो भूमि प्रार्थना करती है ब्रह्मा जी से तो इसके कारण भगवान आए ऐसे अनेक कारण बताती है और एक श्लोक में बोलती है नवेद नवेद न वेद कश्चि भगवंशिता तवेघमानृण विडंबनम न्य कचिद दयिताचि द्वेश्च यस्म विषमा मतिणाम आपकी लीला चेष्टा इस दुनिया में जब आप करने के लिए आते हो अद्भुत रूपों में आते हो आप और लीला का मतलब ही क्या है प्ले प्ले अंग्रेजी में इसका नाम क्या है प्ले भगवान एकदम प्लेफुल उनके लीलाओं में एक तरह का मजरिमा है अलग अलग लीला में भगवान अलग अलग तरीके से करते हैं जैसे अभी कृष्ण के रूप में आते हैं राम के रूप में आते हैं इधर मत्स्य कुर्मा वराह नरसिंह ऐसे अलग अलग रूपों में आते हैं और कोई जान नहीं सकता कि भगवान किस रूप में आएंगे कैसे आएंगे क्या लीला करेंगे वो बाद में शास्त्रों में लिखने के बाद आपको पता चलेगा नहीं तो जब आते हैं जैसे जब वामन देव के रूप में आते हैं सब लोग आकर्षित होते हैं उनसे ये कौन है ब्राह्मण बालक इतना तेजस्वी है और एक छतरी पकड़ा है हाथ में कमंडल धारण किया है वो आज आ जाते हैं उधर यज्ञशाला में तो भली महाराज भी आकर्षित होकर सोचते हैं कि ब्रह्मचार्य को मैं कुछ दान देना चाहता हूँ तो भगवान तीन पाँव मांगते हैं लेकिन तीनों लोगों को माप लेते हैं है? आप सुनते हैं इस तरह लीला करते हैं भगवान अद्भुत लीलाएँ करते हैं हैं तो, तो वो लम्बी कथा है वो लेकिन उस कथा में आप पढ़ेंगे इनके अंदर अहंकार था किसके अंदर भली महाराज पहले सोच रहे थे कि मेरे पास इतने ग्रह हैं इतने जमीन हैं ये तीन पांव मांग रहा है ये ये बाल बुद्धि है इसका छोटा आई से सोचा उन्होंने उनके अंदर थोड़ा तो अहंकार था कि मैं भूपति हूँ सार्वभम हूँ ऐसे तो भगवान ने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ जितना चाहिए उतना ही लूँगा मैं ऐसे बोलकर तीन पांव मांग कर तीनों लोगों को माप लिया उन्होंने हु? बड़े कर बड़े होकर ऐसे इस तरह लीला भगवान करते हैं लेकिन भगवान धोखा तो लग रहा है कि धोखा दे रहे हैं लेकिन धोखा नहीं दे रहे हैं क्योंकि बली महाराज ने देवताओं की संपत्ति को हड़प लिया था उसको भगवान ने उससे उठा कर किसको दिया देवताओं को दिया लेकिन उस समय बली महाराज भगवान के शरण गया तो भगवान ने बोला कि क्योंकि तुम मेरे शरण में आ गए तुम असुर नहीं हो अभी तुम भक्त बन गए तो अगले जन्म में तुमको मैं इंद्र बना दूंगा मतलब क्या है जो तुमसे चीन लिया वापस तुमको दे दूंगा ओहि जैसे माता पिता बच्चों से मोबाइल छीन लेते हैं बच्चा बड़ा होकर लड़का बन जाएगा पंद्रह बीस साल का तब तो वापस दे देंगे उसको क्योंकि बड़ा होने के बाद यूज़ कर सकता है अगर बच्चा हो तो उसके लिए अच्छा नहीं है इसलिए भगवान उनके लिए जब अच्छा नहीं था ले लिया जब सुधर गए तो दे दिया है इस तरह अनेक लीलाएँ करते हैं और लीलाओं से सब सारे जनता को बहुत सीखने को मिलता है तो हर लीला तो मत मतभक्त विनोदार्तम करोमी विविधा क्रिया करके पद्म पुराण में भगवान बताते हैं कि मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मैं लीला करता हूँ इस दुनिया में विविध रूपों में आता हूँ तो आपको एक पावर पॉइंट दिखाएंगे आपको दूसरा है देखिए भगवान कृष्ण अनेक रूपों में विस्तृत होते हैं जैसे आप महाविष्णु को देख रहे हैं अगर कृष्ण को अगर सृष्टि को निर्माण करना हो खुद नहीं उनको करना पड़ता जैसे हमारे पुणे में एक पारसी आदमी है उसका दस घर है पुणे में दस घर का मतलब इंडिपेंडेंट बंगलो है उसका बड़े बड़े तो एक घर में वो खुद रहता है वो अगर बाकी घर बहुत पुराने हो गए सौ साल के हो गए वो तो उसने तुरंत लोगों को बुलाया पैसा फेंक दिया बोला कि सबको तोड़कर नया बनाओ अभी तो उसको घर नया बांधना हो तो क्या खुद करना पड़ता है क्या खुद आ, हैमर लेके आना उसको सब आयजों को लेकर आकर खुद बनाना पड़ेगा उसको कैसे करेगा वो सिर्फ पैसा फेंकने का पैसा फेंक कर काम करवा लेगा वो करेक्ट है ना इस दुनिया में भी अगर आपको कुछ काम करवाना हो तो पैसा खर्चा करते हो है ना तो सब पैसा के स्रोतर कौन है है हाँ? सब पैसा किसके पास रहता है लक्ष्मी के पास रहता है है ना कोई इस दुनिया में लाखपति है करोड़पति अरबपति भगवान कौन है हाँ इसलिए भगवान के पास जितना पैसा अगर उनको करोड़ों ब्रह्मांडों को निर्माण करना हो उनकी शक्ति की कुछ कमी नहीं है इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति क्लादिनी हाँ? शक्ति संधिनी शक्ति, शक्ति हाँ? इस तरह अनेक शक्तियाँ हैं उनके पास शक्तियाँ उनको हाथ जोड़कर उनकी सेवा करते हैं तो इस तरह भगवान क्या करते हैं कृष्ण इस भौतिक दुनिया को सृष्टि करना हो तो ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं कौन है वो महाविष्णु तो इस तरह विस्तृत कर लेते हैं अपने आप को और हाँ इस तरह अनेक कोटि कोटि ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं हाँ ये एक शरीर से उसको महाविष्णु बोलते हैं और हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके क्या बनते हैं गैरभुदाक्षाय विष्णु बनते हैं हाँ और हर एक ब्रह्मांड के अंदर चौरासी लाख योनियों को निर्माण करके हर योनि हर जीव राशि के हृदय में किस रूप में है वो विष्णु परमात्मा के रूप में हुँ? ये भगवान की महत्ता है देखिए परमात्मा के रूप में है इसका मतलब है, एक भी स्थान नहीं है जिधर वो नहीं है ऐसे अपने आप को विस्तारित करते हैं हाँ अणु में बसे हैं देखिए तो इस तरह महाविष्णु बनते हैं पहले ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं उसके बाद गर्भदक्षा विष्णु बनते हैं जो पंकजना भी है उसके बाद हर एक जीव के हृदय में परमात्मा बनते हैं इस तरह वो पहला वाला आम्निपटेंट दूसरा वाला आम्नि, आम, आम्नि प्रेजेंट तीसरा वाला अम्निशियंट इसलिए गाड को आम्निपट आम्निपटेंट मतलब उनके समान एकस्तम महतः सृष्टि इतना महान सृष्टि है कोटि कोटि ब्रह्मांड को रचाना द्वितीयम अंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्तम ऐसे बताया गया है तो करेक्ट हाँ ऐसे प्रवेश करते हैं हर ब्रह्मांड में देखिए ये कौन है ये हर ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले uh, हाँ अक्षय uh. विष्णु so, हैं तो ब्रह्मा को निर्माण सृष्टि करते हैं uh. so, देखिए ऐसे ब्रह्मा तो भूलोक लोग जर हम लोग रहते हैं uh. अतल सतल महातल तला पातल और उर्दू लोग एक ब्रह्मांड ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है ऐसे uh. निर्माण करते हैं और उनके अनेक अवतार उनसे निकलते हैं जरा आप देखेंगे ये वैकुंठ है ठीक है ब्रह्मा जी हाँ ये भगवान के खास दस अवतार हैं लेकिन उनके चौबीस चो, अवतार हैं इधर दिखाया जाएगा अभी आप देखेंगे हाँ भगवान क्यों अवतार लेते हैं इस दुनिया में आ, जो हमने बताया था पहले आपको न? सब लोग भारत में जाने साधु साधूना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथा संभवामी युगे युगे किस देखिए कितने रूप हैं तो ये थोड़ा चक्कर आएगा इसको देखकर लेकिन इसको विस्तृत रूप से आगे दिखाया गया है इधर देखेंगे आप देखिए भगवान का स्वयं रूप आते हैं स्वयं प्रकाश आते हैं तो इधर से आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा तब समझ में आएगा हुं? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है देखिए स्वयं प्रकाश का प्रकाश को आप देखें उसमें से देखिए प्राभव प्रकाश वैभव प्रकाश हा? और उससे निकल रहा है तदेत कात्म रूपा हा? उसमें से स्वामश और विलास रूप इसको भी और समझा गया है अगले स्लाइड में आप देखेंगे स्वयं रूप का मतलब क्या है कृष्णा इज ऑब्जर्व्ड एज ए कवर्ड बॉय इन वृंदावन उसको स्वयं रूप बोलते हैं ये जो रूप है ऊपर ये द्विज वाले द्विभुज वाले, वाले और मुरली बजाने वाले आप लोग समझते हैं उनका नाम क्या है स्वयं रूपा बोलते हैं लेकिन आ, अभी प्राभव प्रकाश का मतलब क्या है अपने आप को भगवान कृष्ण विस्तृत करते हैं रासायन नृत्य में अनेक रूपों में उसी द्विभुज रूपों में उसको बोलते हैं प्राभव प्रकाश इधर देख रहे हैं ना पिक्चर में रास नृत्य में हर दो गोपियों के बीच में ये कृष्ण थे आ, और वैभव प्रकाश का मतलब क्या है जो भगवान विस्तरित करते हैं अपने आप को लेकिन उसी रूप में नहीं अलग रूप में जैसे बलराम बलराम का रंग क्या है हाँ गोरे गोरे रंग के हों इसको वैभव प्रकाश बोलते हैं प्राभव प्रकाश का मतलब है कृष्ण के ही रूप में विस्तरित करना वैभव प्रकाश का मतलब है आ, बलराम जैसे रूपों में विस्तरित करना है का आत्म रूप उसमें दो चीज है वो अलग रूप है जैसे देख सकते हैं आप अभी कृष्ण से बलराम बलराम से चतुर्भुज रूप आते हैं हा? उसको रूप से विलास उसको विलास है वासुदेव संकर्षण प्राप्त बोलते हैं क्योंकि विष्णु के रूप से चार विष्णु के रूप आते हैं ऐसे इस तरह वैभव विलास में विष्णु बारह नाम जो हम लोग करते हैं तिलक पहनते समय बोलते हैं दिस टॉल आर द प्रिडामिनेटिंग डेटीज ऑफ द ट्वेल्व तो मंथ्स करेक्ट अभी आपको जो एक स्लाइड में दिखाया पहले वो ही पूरा एलेबरेटली दिखाया मैंने इसे तो इसके बाद स्व अंश से तीन पुरुषावतार तीन अलग अलग अवतार नहीं करते हैं पुरुषावतार लीलावतार गुणावतार शक्तिवेश अवतार मनमंत्र अवतार युगावतार ये सब कृष्ण से निकलने वाले

अब शक्तियावश अवतार में शि जो है तो स्व सेवन शक्ति शक्ति हैं हैं बोलते ब्रह्मा को सृष्टि शक्ति बोलते हैं नारद को, को भक्ति शक्ति चा, चतुष्कुमारों को ज्ञान शक्ति पृथु महाराज को पालन शक्ति ऐसे परशुराम को दुष्ट नाशक शक्ति ऐसे ये सब जीवों को भी भगवान शक्तिपात करते हैं नहीं तो भगवान खुद ही शक्त्यावेश के रूप में आते हैं दोनों हो सकता है उसके बाद मनमंत्र अवतार हैं ब्रह्मा के एक दिन में एक हज़ार चतुर्युग हैं हा? एक हज़ार उसमें कितने मनु आते हैं चौदह मनु आते हैं हर एक मनु का कितना टाइम होता है सेवेंटी वन वान्ट मिलेनियम्स होता है तो हर एक मनु आते हैं वो भी भगवान का विस्तृत रूप है वो भी भगवान का ही अवतार है वो भी तो लास्ट में ये युगावतार है कल हम बता रहे थे सत्य त्रेता द्वापर कली हम बताएंगे इसमें सत्ययुग में एक सफेद रूप में आते हैं ना त्रेता युग में एक रक्त रूप में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको युगावतार अवतार के बारे में श्री श्रीराजोवाच श्री श्री कस्मिन काले भगवान किम वर्ण कीदृशो नृपि नामना वाक विधिना पूज्यते तदिहोचताम निमि राजा ग्यारह में स्क में पूछ रहा है नव उनमें से किसको पूछ रहा वो अभी हवीर शायद अभी बोलेंगे आगे के श्लोक में इधर पूछ रहा है वो राजा निमि भगवान प्रत्येक युग में किन रंगों तथा किन रूपों में प्रकट होते हैं भगवान का रूप क्या रहेगा सत्ययुग्रेता द्वापरिक्ग में उनका रंग क्या रहेगा और वे किन नामों तथा किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं करेक्ट है ना? चार चीज़ पूछ रहा है वो भगवान किस रूप में आएंगे उनका नाम क्या होगा सॉरी उनका रंग क्या होगा उनका नाम क्या होगा और उनका किस विधियों से वो पूजे जाते हैं हा? अभी आने वाले अगले श्लोकों में यही चीज़ बताया जाएगा हर युग के बारे में अभी देखिए आगे जाकर देखेंगे। श्री करुणभाजन बुवाचं कृदांत्रेताध्वा परमचा कलिरेत्येशुकेशवह न न वर्णा न न वर्णा भी दाकारो न ये बता रहे हैं करबाजी ने उत्तर दिया कृत त्रेता द्वापर तथा कली इन चारों युगों में से प्रत्येक में भगवान केशव विविध वर्णों नामों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और विविध विधियों से पूजे जाते हैं अभी चालू हो रहा है पहला युग क्या है हाँ कृत युग भी बोलते हैं कृते शुक्ल चतुर्बाह जटिलोवलबर कृष्णाजि कृष्णाजिनोपवीताक्ष बिब्र दंड कमंडलू सत्यग में भगवान श्वेतवर्ण और चतुर्भुजी होते हैं अभी आपको स्मरण करना करना पड़ेगा मन ही मन है क्या रंग के हैं भगवान बाद में पूछूंगा मैं आपको हैं श्वेतवर्ण का कितने हाथ होते हैं उनके हम्म उनके सिर पर जटाएं रहती हैं और वे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनते हैं जैसे वलकल से बना हुआ हैं वे काले हिरण का चर्म जनेऊ जनेऊ का मतलब जनेऊ जनेऊ और जपमाला और डंडा तथा ब्रह्मचार्य का कमंडल धारण किए रहते हैं ये उनका क्या है उनका रूप है रंग है बताया गया करेक्ट न मनुष्यास्तु तथा शांता निर्भरा सुहृद तपसा देव शमे नमे नूज जमाने में मनुष्य लोगों का स्वभाव क्या था शांता का मतलब है तृप्त थे शांत थे वो दूसरे जीव पर जीवों से ईर्षा नहीं करते थे सुहृद का मतलब है सबके शुभ चिंतक होते थे सब प्रेम से रहते थे सब समाह समदर्शन होकर देखते थे सब जीवों का मतलब क्या है गाय हो बकरा हो मुर्गी हो उनको काटते नहीं थे वो क्यों उनको भी देखते थे कि इनके शरीर में भी एक आत्मा है समता से देखते थे सब जीवों को ऐसे यजंती तपसा दे शमेन च दमेन च और वो भगवान को पूजा करते थे और तपस्या करते थे और शम शम का मतलब है मन को शांत करना शांत रखना और दमेन का मतलब इंद्रियों को शांत करना कुल मिलाकर सात गुण है बताया गया है शांता निर्वैरा सुहृद समाह तपसा शमेन दमे कितना हो गया सात गुण थे किन लोगों में हाँ ये मनुष्य के बारे में बताएगा उस समय आगे देखिए हम सत्सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वर मल ईश्वर पुरुषो व्यक्त परमात्मे गीय ते सत्य गुमे भगवान की महिमा का गायन हंस सुपर्ण वैकुंठ धर्म योगेश्वर अमल ईश्वर पुरुष व्यक्त तथा परमात्मा नामों से किया जाता है इस तरह अनेक नाम है उस व्यक्ति का जिसका नाम हमने बोला भगवान का एक अवतार है वो उसके अनेक नाम दिए गए हैं इधर हाँ तो अभी सत्ययुग का हो गया अभी अभी आगे त्रेता को बारे में बोल रहे हैं त्रेतायाम रक्त वर्णसव चतुर्बात्रिमे खलह हिरण्य केश स्त्रैयात्मा उपलक्षण युग में भगवान का वर्ण लाल होता है उनकी चार बुझाएँ होती हैं इनका भी चार बुझाएँ हैं लेकिन वर्ण क्या है हाँ और बाल सुनहरे होते हैं उनका बाल क्या है बाल। बाल। उनका जटाएँ थे इनके बाल सुनहरे होते हैं और वे तिहरी पेटी पहनते हैं वट तिहरी पेटी जो आ, तीनों वेदों में दीक्षित होने की सूचक है हाँ करेक्ट रिख साम यदा तथा यजुर्वेदों में निहित यज्ञ द्वारा पूजा के ज्ञान का साक्षात रूप उन भगवान के प्रतीक श्रुक सुवा इत्यादि यज्ञ के पात्र होते हैं देखिए युग में में क्या था यज्ञ करना इसलिए भगवान खुद ही इस रूप में आकर यज्ञ कैसे करना सिखाते हैं भगवान खुद ही सबको सिखाते हैं वो तो यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा किया जाता था तम तदाजादेव सर्वेमयम हरि यजंती विद्य त्रैया धर्मिष्ठा ब्रह्मवादि तम तदा मनुजा मनुष्य लोगों का स्वभाव क्या था ये बता रहे हैं कि यजंती विद्य आ, वो वो लोगों का गुण था धर्मिष्ठा का मतलब है धर्मपरायण थे उसका मतलब रीति रिवाजों को करने में कभी कमी नहीं पड़ता था उनको पक्का करते थे वो हैं कुछ लोग बोलते हैं ना मैं हर शुक्रवार को उस मंदिर में जाता हूँ बुधवार को इधर जा जाता हूँ ऐसे कुछ लोग एकदम एकदम पक्के होते हैं अभी है? आज के जनरेशन के नहीं हमारे दो जनरेशन पहले वाले लोग करेक्ट हैं पक्का जाते थे करेक्ट हैं ये लोग भी धर्मिष्ठा का मतलब है जो धर्म के विद्वान दिया गया है उसमें कभी कमी नहीं पड़ता था इनका त्रेतायुग वालों को और ब्रह्मवाद्या का मतलब है, शास्त्रों का का चर्चा इनको अच्छा लगता था साथ में आकर शास्त्रों को सुनना यजंती विद्या त्रैया ये तीनों वेदों से भगवान की पूजा करते थे युग में मानव समाज के वे लोग जो धर्म हैं और परम सत्य को प्राप्त करने में सच्ची रुचि रखते हैं वे समस्त देवताओं से युक्त भगवान हरि की पूजा करते हैं इस युग में तीनों वेदों में दिए गए यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भगवान की पूजा की की जाती थी देखिए अभी तो हम कलयुग में रहते हैं लेकिन मेरा भी इसका अनुभव है जब मैं छोटा था, हमारे घर में नवरात्रि के समय दस दिन का पूजा होता था तो उसमें शाम के सुबह यज्ञ होता था और शाम के समय अभिषेक और लक्षार्चना होती थी घर में तो सुबह का यज्ञ तीन घंटे का चलता था और शाम का लगभग चार घंटे का चलता था उसमें लक्षार्चन का मतलब है हर एक कमल कमल की पंखुड़ियाँ लेकर एक एक अर्पण करते समय एक एक नाम लेते थे कैशवायन नारायण नम गोविंद नारायण ऐसे एक एक ऐसे नाम लक्ष्य नाम लेते थे ऐसे अर्पण करके लिए ऐसे तो अभिषेक भी होता था ऐसे तो हम लोग घर वाले बैठते थे बाकी लोग भी आकर बैठते थे लेकिन आजकल बैठने वाले बहुत कम हैं सब भाग दौड़ में सब घड़ी देख रहे हैं इधर इसलिए वो त्रेता युग में आप देखेंगे यज्ञ जो करते थे घंटों घंटे होता था उसमें बहुत सामग्रियाँ भी इस्तेमाल होती थी उसमें तो इस युग में तीनों वेदों में दिए गए यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भगवान की पूजा पूजा की जाती है ने? उनका नाम क्या है विष्णु यज्ञ पृष्णिगर्भ सर्वदेव गुरु ऋषा विषा उरुगाय इतिर्यते त्रेतयुग्मे विष्णुयज्ञ सर्वदेव उरुक्रम वृषाकपि जयन्त तथा उरुगः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षित और क्षितंबर धारण किए प्रकट होते हैं इस अवतार में भगवान के दिव्य शरीर में श्रीवत्त अन्य विशेष आभूषण जैसे वस्तुपमणी इत्यादि अंकित रहते हैं और वे अपने निजी आयुध प्रकट करते हैं ऐसे बताते हैं ये द्वापर युग में तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप गुण बताया गया था धर्मिष्ठा रहा वो वेद शास्त्रों को पढ़ने में बहुत आनंद था उनको हुँ? और धर्मपरायण थे रीति रिवाजों को पक्का फॉलो करते थे इधर के लोगों के बारे में एक ही गुण बताया गया है जिज्ञासव मतलब इच्छुक थे बस ठीक है बताओ शास्त्र क्या बोलते हैं करना के नहीं बाद में देखेंगे के लोग अगर कुछ लोग जिज्ञासा करके समझने के बाद भगवान की पूजा करते थे वेद तंत्रों के द्वारा करते थे वो धीरे धीरे ये समाज गटता आया है सत्ययुग को सोना के साथ तुलना किया है त्रेता युग ब्रॉन्ज बड़ी से ब्रॉन्ज सिल्वर सिल्वर को क्या बोलते हैं चांदी और द्वापर युग ब्रॉन्ज और कलयुग लोहा लोहा से तुलना किया अभी कलयुग का बात आने वाला है अभी ठीक है द्वापरि का नाम बताया गया नमस्ते वासुदेवाय नमस्कर्षण प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः सर्व हे परम स्वामी वासुदेव आपको तथा आपके संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूपों को नमस्कार है हे भगवान आपको नमस्कार है हे नारायण ऋषि हे ब्रह्मांड के सृष्टा पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ इस जगत के स्वामी तथा ब्रह्मांड के आदिस्वरूप हे समस्त जीवों के परमात्मा आपको सादर नमस्कार है इस तरह उनकी पूजा होता है इन नामों से कृष्ण का ही पूजा है।, है वासुदेव रूप में आते हैं क्यों भगवान का नाम वासुदेव है हर एक के हृदय में अंत्यम के रूप में वसन करते हैं वस करने वाले को वस प्लस देव वासुदेव और वो किसके पुत्र हैं वासुदेव के पुत्र इसलिए उनका नाम वासुदेव है जगदीश्वरम नाना तंत्र विधान कला अभी तथा शुणू बोल रहे कि इस तरह से द्वापर के लोग भगवान वासुदेव की स्तुति करते थे अभी कली के बारे में मैं बताता हूँ सुनो ऐसे बता रहे हैं कलयुग के बता रहा है हम लोग किसी को मेरे रहते हैं अभी हाँ अभी ये तो खास संदेश आने वाला है हमारे लिए है नहीं? तो कलयुग के बारे में श्लोक इधर बताया जा रहा है इधर कलयुग का अवतार कौन है कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षद प्रायंति कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन में करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है कृष्ण वर्णम का मतलब है वर्णयति कृष्ण की गुणगान करते रहते हैं कौन विचित्र महाप्रभु यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है किंतु वह साक्षात कृष्ण है कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम ऐसे बताया गया तो हैं तो गर्गमुनी जब नंदा बाबा को बोलते हैं भगवान के चार रंग हैं उसमें उन्होंने बोला था लाल रंग है ऑलरेडी आ चुका है किस युग में, युग में। अब शुक्ल वर्ण का मतलब सफ़ेद कब आ चुका है हाँ ऐसे तो ऐसे चार वर्ण बताते हैं वो पीतस तथा रक्तस रक्ता आ गया शुक्ल आ गया अभी क्या बचा है पीला पीला रंग वाला तो कृष्ण आ रहे हैं कलयुग में लेकिन उनका रंग श्याम वर्ण नहीं है तो दूसरा रंग दूसरा रंग क्या हो सकता है पीला होना चाहिए करेक्ट है ना कोई बचा है ना एक शुक्लो वर्ण तथा पीतस है। शुक्लो रक्तसतापीता जैसे बताते हैं तो बताते है। वह अपने संगियों सेवकों आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है ऐसे उनकी वर्णन है इधर तात्पर्य में प्रभ जी बताते हैं जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्णवर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य वर्णन तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य है कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा कृष्ण ऐसे बताते हैं वर्णयति का मतलब कहता है वर्ण करता है भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका गुणानुवाद भी करते हैं तो आप पूछेंगे इधर किधर बताया गया चैतन्य का नाम है इसलिए इधर सांगोपांगास्त्र पार्षदम भी यह सूचित करता है कि चैतन्य भगवान कृष्ण है उनका शरीर सदैव चंदन के आभूषणों से चंदन का युग के सारे लोगों को दमित करते हैं अन्य अवतारों में कभी कभी भगवान ने अस्त्रों का उपयोग असुरों को परास्त करने के लिए किया था किंतु इस कलयुग में भगवान चैत्र महाप्रभु जैसे सर्व आकर्षक रूप से उन असुरों को दमन करते हैं गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि उनका सौंदर्य असुरों को दमन करने के लिए उनके अस्त्र है। हैं क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं अतएव समझना होगा कि सारे देवता उनके संज्ञों जैसे रहते हैं उनके कर्म असाधारणते उनके संगीत अद्भुत थे जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया तब विशेषकर बंगाल तथा बिहार में अनेक विद्वानों तथा आचार्यों को आकृष्ट किया तो सर बताते हैं कृष्णवर्णम और और भी महामंत्र को बता रहे हैं इधर चैत्र माह का कि पूजा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर महामंत्र का हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए ऐसे बताते हैं तो बहुत वर्णन है विष्णु शास्त्र नाम में भी चैत्र महाप्रभु का वर्णन आता है क्या है सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगनांगति सन्यासकृत समस्ता निष्ठा शांति परायण विष्णु के एक हजार नामों में एक नाम है कि वो सन्यास लेते हैं अच्छा विष्णु संन्यास लेते हैं एक ही रूप में सन्यास विस्तार करके आते हैं वो चैतन्य महाप्रभु है चंदन का लेप लगाते हैं और वो बायावादियों को शांत कर देते हैं अपने वाद आ, के द्वारा उनको भक्ति के पते में लाते हैं इस तरह है और आगे तीन चार श्लोक हैं इसमें महापुरुष नाम से पुकारे गए हैं ये यम सदा परिभवी तीर्थास्पद विरिचिति प्रणतपाल भवाब्धिम साथ बोलेंगे वंदे महापुरुषते के ये बड़े तात्पर्य है इसका क्योंकि महापुरुष के वर्णन है इसमें त्यक्वा सुदुस्तज सिदराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवत सायदगाण्यम माया मृगम दई तमेपितमदावत वंदे महापुरुषते तरणारविंदम और एक श्लोक है ऐसे तो आपको पढ़ना पड़ेगा तात्पर्य पूरा बोलेंगे तो समय बहुत चला जाएगा उसमें हाँ इधर बताते हैं कि इधर बताते हैं इधर देखिए इस प्रकार ये राजन भगवान हरि जीवन के समस्त वांछित फलों को देने वाला है वाले हैं बुद्धिमान मनुष्य भगवान के उन विशेष रूपों तथा नामों की पूजा करते हैं जिन्हें है भगवान विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं हाँ? इसलिए बताते हैं कि कलिम सबादय गुण जान सार यकीर्तने नर्वस्वाते जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वे इस कलियुग के असली महत्व को समझ सकते हैं ऐसे प्रबुद्ध लोग पूजा करते हैं क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि सं संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है देखिए कलयुग के संबंध में वर्णन आता है भागवत के पहले स्कंद में आपको दिखाऊंगा थोड़ा टिप्रस मत हो जाना आप हैं कि भागवत के, के पहले स्कंद में एक श्लोक है प्रायेणल्पायुष सभ्य कलावस्म युगे जनाभाग्या हे विद्वान कली के लव युग में लोगों की आयु न्यून है वे झगड़ालू आलसी पथभ्रष्ट अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं तो इधर प्रभाजी बताते हैं कलियुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं प्रभाजी बताते हैं कारण क्या अभी तो आते हैं कलियुग के वासियों में क्या है कभी भी खाने का कभी सोने का एट में जब जाया गया था पहले मैं मित्रों रात को बारह बजे दरवाजा कट रहा है मैं उठा क्या चाहिए चलो में जाते हैं <laughs> हमें बेचारे बारह बजे आते हैं हाँ? हम लोग तो रात को घूमते रहते हैं ये हाँ? हॉस्टल में उधर उधर से इधर कभी भी पढ़ने का कभी भी सोने का कभी भी खाने का सुबह उठ कर मुँह धोकर चले जाने का कॉलेज है हाँ? नहाने नहीं का ये इस तरह अनियमित आदतें हैं हाँ? तो आप देखेंगे इस तरह कलियुग के जीवन में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हम तो घर में टाइम थे टाइम पर सोते थे संध्या वंदन करते थे ये बड़ा आश्चर्य हुआ ये लोग इस तरह का जीवन है लेकिन ऐसे हॉस्टल में देखते हैं कुछ लोग शू के साथ सो जाते हैं रात को ऐसे चप्पल निकालते हुए जींस के साथ छोटे ऐसे हो जाते हैं किस तरह का जीवन है और कभी धोते नहीं कपड़े जब तक दुर्गंध आता है तो खलु के जीवों का जो भी कर रहे हैं अभी लड़के लोग अभी पता है भागवत में सब कुछ है आदतों को नियमित करके तथा तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है टाइम पर खाना और सरल भोजन खाने से अधिक भोजन अधिक इंद्रिय तृप्ति दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है आजकल इंसान कसरत करता है बहुत सोलह घंटा पंद्रह घंटा दूसरे व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहता है खाने पीने के लिए भी तो उस जमाने में लोग खुद का ज़मीन होता था थोड़ा खेत जोत लेते थे बारिश हो जाता सब प्राप्त तो हो जाता आसानी से लेकिन आजकल का इंसान इतना पान चुटता है एक परिवार चलाने के लिए है इस युग के लोग ना केवल भौतिक दृष्टि से अभी तो आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं लेकिन है? दिव्य के लिए बड़े उत्सुक लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए आलसी यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्मसक्ष के लिए मिला है अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ संसार क्या है और परम सत्य क्या है मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन अगर भगवत धाम को लौट सकता है किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्मसाक्षात्कार की इच्छा नहीं उठती यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पतभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं आजकल अगर कोई लड़का इच्छा भी करता हो मैं कुछ जानना चाहता हूँ यूट्यूब में जाइए इतने अलग अलग संस्था हैं जो भगवान को छोड़कर सब कुछ बोलते हैं धर्म के नाम में बहुत चल रहा है धर्म के नाम में इसलिए प्रभा जी भगवदगीता यथारूप लिखा उन्होंने क्योंकि अनेक लोग इतने मोटिवेशन बात करते हैं आजकल कर, पॉजिटिव सकारात्मक जीवन कैसे बनाना लेकिन बोलते कभी नहीं है कि भगवान का नाम लो भगवान के सामने जाकर सर झुको भगवान का आश्रय लो कोई बोलता नहीं है धर्म के नाम में भी बड़े बड़े गुरुजियाँ आजकल सारे दुनिया के अलग अलग कोलका बैठे हैं मार्केट में हैं वो लोग चला रहे हैं इस तरह है। तो कलयुग के बेचारा जीव उनका शिकार बनता है इस तरह बताते हैं इस युग में लोग ना केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं अपितु तो विभिन्न प्रकार के तृप्ति करने वाले विपत्नों से भी ग्रस्त हैं जैसे कि सिनेमा खेलकूद जुआ क्लब संसारी पुस्तकालय बुरी संगति धूम्रपान मदिरापान छलावा हाँ, और चोरी मनमुटाव आदि आदि बताते हैं अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं ये युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धर्मिक पंथ कड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते और प्रायः ऐसे लोग ही जो नेतृत्व के व्यसने हैं ऐसी संस्थानों संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है ना स्वास्थ्य लाभ हो पाता है अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग आश्रम के विधि विधानों को पालन नहीं करते फलस्वरूप तथाकथित बान सन्यासी ऐसे तो गृह आश्रमों से आते हैं अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं क्योंकि सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है लोग अब आध्यात्मिक मूल्य में रुचि नहीं दिखाते अब तो भौतिक ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है मतलब क्या आर्थिक विकास बस ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाया के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है सर तरह जी समझ आते हैं कलयुग का जमाना कैसे बिगड़ गया है इसे बता रहे हैं लेकिन आप इसको सुनकर तक मत जाना लेकिन क्योंकि कलयुग में भी एक शुभ समाचार क्या है कलयुग के वासियों को हाँ, अभी हमने एक श्लोक पढ़ाता है ना किधर है वो हाँ आ, ये श्लोक जो है बताता है कलयुग के संबंध में तीन श्लोक हैं गुड न्यूज श्लोक हैं उसको बोलकर हम प्रवचन विराम देंगे सुबह का भी हैं हाँ? वापिस बोलेंगे कलिम सबादय त्या गुण जान सार कलयुग में अच्छे गुण को देखने वाले होते हैं भगवान के भक्त क्योंकि वो सारी है सार का मतलब क्या है जैसे ये जो मधुमक्खी होता है ना उसको सारंग नाम दिया गया है क्यों सारम लेकर गमयती है सार ले लेकर वो घूमती है वो इसलिए उसका नाम क्या है सारंग है कलव महान गुणान ये बता रहे हैं कि कलियुग दोषों का समुद्र है अगर कोई समुद्र के समक्ष जाकर बोलेगा मैं तुमको पानी दिखाऊंगा क्या बड़ी बात है <laughs> समुद्र में पानी पानी बड़ा है ना इस तरह कलियुग में कोई दोष आरोपण करता है तो क्या बड़ी बात है कलयुग में क्या दिखता है सब दिशा में दोष ही दोष लेकिन उस दोषों के बीच में ये अच्छा गुण बोलते हैं अस्थि ही एकांत महान गुण। क्या ये एक महान गुण क्या है एवं कृष्ण से आप देखेंगे कलियुग के जमाने में भी कोने कोने में लोग जुट जाएंगे साथ में आकर कृष्ण का कीर्तन करेंगे हु? और कीर्तन का मतलब सिर्फ गाना ही नहीं है कृष्ण का वर्णन भी है कथा का कथा कथा का वर्णन कथा का, का श्रवण भी तो कृष्ण कथा कृष्ण नाम जिधर भी आपको प्राप्त होता है ये बता रहे हैं कि यही एकमात्र अच्छा गुण है कलयुग में बोलते हैं ये अच्छा गुण सत्ययुग में भी नहीं प्राप्त होता था कारण क्या है सत्ययुग में अनेक लोगों के पास ताकत था शरीर में बहुत लंबा आयु जीते थे अनेक तपस्या में लगे वो लोग सोचते थे नाम लेना तो आसान है नाम के साथ साथ और भी बहुत कुछ करते थे वो जैसे ध्रुव महाराज सत्ययुग में क्या किया ध्यान योग किया ना उन्होंने अष्टांग योग नाम भी ले रहा था वो क्या नाम ले रहा था भगवत वास्तव लेकिन नाम उन्हें से नाम लेना बहुत सस्ता सरल काम है साथ में और कुछ करना चाहिए क्योंकि शरीर में उतना ताकत है वो लोग करते थे अभी कलयुग का शरीर में कुछ ताकत ही नहीं छोटे छोटे बच्चे स्पेक्स पाने हैं है। आजकल एकदम पतले हैं है। तो कलयुग के ज़माने में आप देखते हैं लोगों का आयु भी कम है अनेक व्याधियाँ हैं है। तो लेकिन इधर बता रहे हैं कि ये एक अच्छा गुण क्या है कीर्तनाथ एवं कृष्ण से और जो कीर्तन में जुड़ते हैं मुक्त संगत परम ब्रजे मुक्त होकर भगवतधाम लौट जाएँगे बताते हैं तो इसलिए कलयुग में भगवान के भक्त लोग सारग्राही जो होते हैं वो ये सार को पकड़ लेते हैं कृष्ण नाम को वो ये समझ कर क्या बोलते हैं यत्र संकीर्तने नै सर्व सर्वस्वार तो भी लगे आपको कुछ भौतिक इच्छा हो आपको आध्यात्मिक इच्छा हो मोक्ष की इच्छा हो जो भी इच्छा हो सब इच्छाओं को पूर्ति करने की शक्ति किसमें है संकीर्तन में है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो भागवत का लास्ट श्लोक है सब लोग बोलिए नाम संकीर्तन यसाप प्रणाशन प्रणामों दुखशमन तम नमा हरि परम ये बताने कि नाम संकीर्तन में जो जुड़ता हो नाम संकीर्तन में उसका सब पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे हम ताली बजाते हुए हम कीर्तन करते हैं तो सब पाप पक्षी हमारे हृदय से उड़ जाते हैं इस नाम संकीर्तन में जैसे सर्व पाप प्रणाशनम ऐसे बताते हैं जैसे अगर पेड़ के नीचे बैठकर आप ताली बजाओ सब पक्षियाँ उड़ जाएंगे ऐसे पाप पक्षियाँ उड़ जाते हैं बताया गया दूसरा लाइन में बताया गया कि प्रणामो भगवान के शिव ग्रह के समक्ष जो सर जुगता हो दुःख का शमन है उसके दुख मिट जाते हैं अनेक लोग मंदिर में आते हैं कुछ दुख को लेकर घर घर में कुछ मन मटा हो गया हाफिस में ने चिल्लाया है कभी पैसा कहीं तो गुम गया है? तो लोग अपने मन में अनेक दुखों को लेकर मंदिर में आते हैं भगवान के शिविर ग्रह के समक्ष झुकने के बाद उठते हैं वो गायब हो गया वो चिंता है ऐसे प्रणाम और दुख का शमन है दुखों को मिटा देते हैं भगवान हरि उनका नाम का मतलब ही है सर्व अमंगल हरे ये हरि ना। इसलिए नाम संकीर्तन में जुड़ना चाहिए वो एक गुण को पकड़ लेते हैं सारग यात्रा यत्र ने, ने ये बताया गया और एक श्लोक है गुड न्यूज श्लोक क्या है ये बताता है हमारे परीक्षित महाराज वो बोलते हैं नानु कलिम सम्राट सारंगइब सार बो कुशलान्याशु सिद्ध्यंती नेतराणी कृता इधर बताते हैं कि कलियुग का एक स्पेशल कंसेशन दिया गया है कलियुग में मानूम आपको क्या अगर आप भगवान के संबंध में कुछ अच्छा काम करना चाहते हो सिर्फ इच्छा मात्र करने से वो काम वो सेवा करने के बराबर है क्या करना चाहिए आपको सिर्फ इच्छा करना बस अगर आपके आपके पास पुष्प नहीं हो लेकिन हाथ को ऐसे लेकर भगवान को एक पुष्प को अपने मन ही मन सोच लो मेरे हाथ में सुंदर एक कमल है ऐसा कर दिया भगवान का आपने भगवान को भगवान क्या सोचेंगे इसने मुझे कमल अर्पण किया कमल अर्पण करने के ही समान है वो हाँ अगर फूल भी नहीं हो मन ही मना अर्पण कर सकते हैं इस तरह अगर आपके मन में इच्छा भी हो बस मुझे कुछ सेवा देना है भगवान के लिए वो सेवा देने की इच्छा ही सेवा करने के बराबर है किस युग में, युग में। सिर्फ कलयुग में बाकी युग में नहीं यही युग में बताया ऐसे हाँ और दूसरा चीज़ क्या है पाप करने की अगर वृत्ति है आपके अंदर पाप करने की इच्छा होता है लेकिन थोड़ा तो डर भी है फिटाई का ना ला लाद का इसलिए नहीं करता कोई लेकिन इच्छा हुआ मन में वो दंड 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 के लिए योग्य नहीं है वो है क्योंकि मन में पाप कृतियों के विचार जब उठता है कलयुग में आ, अगर मन में उठने वाली वृत्तियों को दंड दिया जाए तो सब के सब नर्क में जाएंगे हैं कलयुग में हैं इसलिए पाप वृत्तियाँ जो है उसके लिए दंड नहीं है उस युग में था सत्ययुग में तेता युग में जैसे रेणुका किसकी पत्नी थी वो जमदग्नि अग्नि की उन्होंने एक आसमान में एक गंधर्व को उड़ते हुए पानी में देखा उनका प्रतिबिंब वो खूबसूरत था एक क्षण के लिए उन्होंने सोचा कि ये कहूँ न खूबसूरत उड़ रहा है बस उसके कारण उसको मृत्युदंड मिला उसको है वापस लौटने के बाद पतिवृत्तता का भंग होने के कारण है अगर हमारे मन में सोचने के लिए मृत्युदंड होगा तो कितने बार काटना पड़ेगा लोगों को है <laughs> ना <न>? कलयुग में <coughs> इसलिए कलयुग का स्पेशल है पापकृतियों के लिए मन में सोचा हुआ वृत्तियों के लिए दंड नहीं और मन में विचार किया हुआ अच्छे कार्यों के लिए भेंट है उसके लिए पुण्य है ये बता रहे हैं जब परीक्षित महाराज ने देखा उन्होंने सोचा कि मेरे सारे राज्य के लोगों को संकीर्तन में लगा दूंगा हाँ उन्होंने लगा दिया और द्यूतम पानम श्रिया आसुना मांस करना जुआ खेलना अवैध संग नशा इत्यादि को उन्होंने अपने साम्राज्य से बाहर भगा दिया उनको पापकर्दियों को भगा दिया हर संकीर्तन को आ, सब गली गली में संकीर्तन को चालू कर दिया तो कलियुग कलिराज जो है अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाया वो ऐसा बताया गया तो वो एक श्लोक बताता है कलियुग का कलियुग की महानता वो श्लोक बताता है देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि हरिनाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग कलियुग में रटते हैं सत्ययुग में भी एक प्रार्थना है आप भागवत के पांच पंचम स्कंद में पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में ब्राह्मण लोगों ने भगवान विष्णु की यज्ञ की हुँ? और यज्ञ करके त्रेता युग में यज्ञ जब किया उन्होंने उस यज्ञ में अचानक भगवान विष्णु दर्शन दिया उन्होंने हु? सब ब्राह्मण नीचे गिर पड़े दंडवत प्रणाम किया अष्टांग प्रणाम किया विष्णु को तो उस समय विष्णु को प्रार्थना करते समय वो याचना करने वाले थे कि राजा को एक बच्चा चाहिए लेकिन उनको संकोच हुआ मन में हु? भगवान से इस तरह याचना करना अच्छा नहीं है उसके पहले दो शब्द अच्छा बोलना चाहिए हैं अगर किसी मित्र के पास जाते हैं आप मांगने के लिए तो क्या सीधा मांग लेते हैं क्या आप पहले दो शब्द दो कुछ बोलेंगे ना अच्छा ऐसे ही ब्राह्मणों ने सोचा कुछ बोलना चाहिए तो सोचा क्या बोला जाए बोलते हैं वो अत कथंतित अथ कथंचित स्खन शुत्पदन जृंबण दुरवस्तानाद विवशानाम न स्मरणायाँ ज्वर मरण दशायाँ सकल कष्मल निरसानी तब गुणकृतनाम धेयानी वचन गोचराणींतु ऐसे एक प्रार्थना करते हैं प्रोस ऑर्डर में है। बोलते हैं कि हे भगवान हम कभी सड़क में चलते समय स्खलित हो जाएंगे कभी हो सकता है कभी हमारा बुखार हो जाएगा 104 ज़ीरो फोर वन जीरो फाइव डिग्री फॉर एन कभी हो सकता है कि कुछ व्याधि हो गया कभी हम दुरावस्था में होते हैं कभी मलमूत्र विसर्जन के लिए कई बाथरूम में जाते हैं उस समय हो सकता है कभी इन, इस समय में कभी आपके नाम लेने के लिए हम अगर भूल जाते हैं उस समय अचानक मृत्यु आ पहुंचता है तो उसके कारण हम आपको ना भूल जाए आपका स्मरण हो आपके नाम हमारे मुंह में सदा रहे जैसे गांधी को किसी ने शूटिंग के आना तुरंत गांधी ने क्या बोला है राम बास राम का नाम ले लिया तो उनको तो सदगति प्राप्त हो होगा ही ज़रूर हाँ तो इस तरह हम अंतिम काल में भगवान को ना बोले इस तरह वो लोग प्रार्थना करते हैं यज्ञ तो करते हैं लेकिन भगवान के दर्शन लेते ही भगवान का नाम लेते हैं ध्रुव भी सत्ययुग में ध्यान तो करता है लेकिन क्या साथ में जोड़ता है नाम जोड़ता है आप देखेंगे इस तरह कलयुग में बाकी चीज़ करने के लिए हम हम सक्षम नहीं हैं शक्ति नहीं है हमारे पास तो एक ही चीज़ बचा है क्या कर सकते हैं हाँ क्या वो श्लोक बोलता है कल वास्ती हो नास्ती हो क्या श्लोक है वो वो बोलेंगे सर नाम केवलम कलव नास्ते नास्टे, नास्तव नास्त क्योंकि कर्म से नहीं ज्ञान से नहीं योग से नहीं एक ही मार्ग भक्ति मार्ग है अब जिसमें भी क्या हमको करना चाहिए नाम का स्मरण करना चाहिए दो चीज़ भागवत का श्रवण नाम का स्मरण ये कलयुग का धर्म है तो इस तरह आगे भी आप इन श्लोकों को पढ़ेंगे आप इस अध्याय में नाम का ही महिमा गा, गाया गया है अगले श्लोकों में भी देखिए न्य परमो लाभ देता मिह यथो विंदेत परमा शांति नश्यंती संस्कृति ही तो हरिनाम का ही गुणगान क्या है सब श्लोकों में आगे भी तो उसको लाने वाले कौन हैं हाँ महाप्रभु लाते हैं ये ऐसे बता रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों में भी ये नाम लिया जाएगा तो मैं आपको अलग अलग अवतारों को दिखाया मैंने लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि ये सब हैं किन, किन से निकलते हैं कृष्ण से निकलते हैं तो उसके संबंध में इधर एक श्लोक ब्रह्मा जी बताते हैं ठीक है भगवान की शक्तियों में तीन दिखाए हैं ऊपर देखिए गोपियाँ हैं बीच वाले द्वारका के रानियाँ हैं तीसरे वैकुंठ है, लक्ष्मी गणा महेशी गोपी गणा। ये भगवान के तीन तरह के शक्तियाँ हैं तो श्लोक पूरा हो गया ना आ, वंदे गुरुन ईशभक्तान ईशम ईशावतारकान प्रकाशांश्च तत्शक्ति ये छह चीज़ों को मिलकर भगवान का पूरा तत्व बनता है भगवान के पास ऐसा नहीं कि भगवान अकेले कड़े हैं भगवान के शक्त रानियाँ हैं इतने वृंदावन में गोपियाँ हैं द्वारका में सोलह हज़ार एक सौ आठ रानियाँ हैं वैकुंठ में कितना लक्ष्मियाँ हैं लक्ष्मी सहस्र शत शतक मतलब कितना है हैं हाँ? सौ सहस्र का मतलब है तो शत सह, सहस का मतलब है हाँ एक लाख लक्ष्मीया सेवा दे रही है हु? भगवान की भाई में ऐसे तो इस तरह के उनकी तत्शक्ति और भगवान के प्रकाश हैं विस्तृत रूप हैं उनके अवतार हैं उनके भक्त हैं ऐसे बताया गया है तो इसलिए तो एक चौक तो दिखाकर हम एक ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये परमात्मा परमात्मे भगवान यही श्लोक है बताइए नारायणस्तमेना आत्मा अदीशा किलोक साक्षी नारायण नर नरभू जलायना தச்சாப்ப மாயா பிரம்மாஜி பூச்சரே கிருஷ்ண கோர் யூ நாட் த ஒரிஜினல் நாராயணா ஓ சுப்பிரீம் கண்ட்ரோலர் சின்ஸ் யூ ஆர் தோல் ஆஃப் எவ்ரி எம்போடிட் பீயிங் அண்ட் இட்டர்னல் விட்னஸ் ஆஃப் ஆல் கிரியேடெட் ரெல்ஸ் இன் டிட் லாட் நாராயணா இஸ் யூர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் ஹீ ஈஸ் கால் நாராயணா பிகாஸ் ஈஸ் ஜனரேட்டிங் சோர்ஸ் ஆஃப் த பிரைமேபல் வாட்டர் ஆஃப் தூனிவர்ஸ் ஹீ இஸ் ரியல் நாட் அப்போடக்ட் ஆஃப் யூர் ரிலிஷரி மாயா நாராயணோ அங்கம் नरभू जलायनाथ इस तरह भगवान कृष्ण के गुणगान ब्रह्मा जी करते हैं पहले बताते हैं कि कृष्ण तीन विष्णुओं का भी आश्रय है और कृष्ण ही साक्षी हैं सबके हृदय में और नारायण कृष्ण के एक अंग है ऐसे बताया गया है तो ब्रह्मा जी ऐसे कृष्ण को संबोधित करके ब्रह्म विमोहन लीला के बाद उन्होंने कृष्ण की गुणगान किया ऐसे ये क्यों मैं आपको दिखाया कृष्ण ही नारायण का स्रोत्र है अनेक लोग जानते नहीं हैं भारत में कुछ लोग सोचते हैं कृष्ण किसका एक्सपेंशन है नारायण का ऐसे इसलिए मैं श्लोक इस दिखाया आपको ब्रह्मा जी का श्लोक तो इस तरह कविराज गोस्वामी आदि लीला में ये स्थापन करते हैं कि नारायण भी कृष्ण से आते हैं और उसके बाद अलग अलग श्लोक बताएंगे एक ओह वही नारायण ना आसी ना ब्रह्मा न ईशानो न चंद्रो नक्षत्राणी ऐसे ना पृथ्वी ऐसे ऐसा बताएंगे आदिकाल में नारायण थे और नक्षत्र नहीं था भूमि नहीं था सूर्यनिता चंद्रनीता त बताया जाएगा नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणत अष्टोपव जायते एकादश रुद्र जायते नाराएणा द्वादश आदि ये भी अतः महानारायण उपनिषद में गया कि नारायण से ब्रह्मा निकले नारायण से इंद्र आए नारायण से शिव जी आए नारायण से आए लेकिन वो नारायण का भी आदि कौन है कृष्ण और वो साक्षात कृष्ण चैतन्य महापुर के रूप में आते हैं है? इस इस तरह वो समझ आते हैं है? इस तरह है। तो इस तरह है तो वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण जैसे मैं कल बता रहा था तो मैं थोड़ा आज समय बिताया दो विषयों के ऊपर एक है भगवान के भक्तों की, की अपेक्षा क्या होता है भगवान से क्या अपेक्षा होता है सिर्फ सेवा, सेवा? प्रेममयी सेवा ना उसके बारे में आधा क्लास हमने समय बिताया उसमें क्योंकि कल भगवान के भक्तों के बारे में बोला था आज भगवान के भक्तों के लक्षण खास लक्षण के बारे में बोला और एक विषय हमने बोला भगवान के अवतारों के बारे में क्योंकि उस श्लोक में वंदे गुरु न भक्तान ईशावत ईशा भगवान के अनगिनत अवतार अवतार हैं इन अवतारों के द्वारा भगवान आकर लीला करके अपने भक्तों के चित्र को चोरी करते हैं आकर्षित करते हैं और उन अवतारों में अनेक अवतार देखें कि कोई भयंकर रूप लेकर नरश्देव नर, के रूप में आते हैं सिर्फ सुर, सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो वराह देव आते हैं सिर्फ को पुनस्थापन करने के लिए ऐसे और दुष्टनाशक का अवतार आते हैं जो हमारे परशुराम अवतार ऐसे आते हैं तो मत्स्य अवतार आते हैं ऋषि मुनियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रलय काल में ऐसे तो अलग अलग अवतार अलग अलग कारण से आते हैं लेकिन चैतन्य महा महाप्रभु प्रेमावतारे हैं प्रेम को प्रदान करने के लिए आए हैं भगवत प्रेम को और ख़ास करके वो आयुध लेकर किसी को मारते नहीं सिर्फ आसरी प्रवृत्तियों को मिटाते हैं हाँ और उनका आयुध भी दो आयुध हैं एक है उनकी खूबसूरती दूसरा है हरिनाम है हाँ। तो आकर्षित करते हैं जीवों को अपनी वो हरिनाम प्रदान करके उनको भगवान भगवान के दाम में लेके जाते हैं तो एक छोटा आपको मूवी दिखाएंगे पाँच मिनट में दिखाता है क्योंकि तो आपने इतना इंतज़ार किया है Of Lord Chaitanya, who lived around five hundred years ago in India. One day, Lord Chaitanya and his associates set off early in the morning for the holy land of Vrindavan. They walked along the forest paths and through the Jarikanda forest, which was full of wild and dangerous animals such as tigers, elephants, snakes, and so many more. Lord Chaitanya walked through there without any cares or worries, simply chanting the holy names of Lord Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Hare Hare. As Lord Chaitanya was walking along, Deep in thoughts of Lord Krishna, he unknowingly stepped on a tiger that was sleeping on the path. The tiger woke up. Oh no, now we are finished, thought his friend Balabhadra. Lord Chaitanya spoke to the tiger and said, Why are you sleeping? Get up and chant Hare Krishna. The tiger got up and amazingly started chanting and dancing, Hare Krishna, Hare Krishna. Balabhadra was astonished to see this behaviour. Another day, while Lord Chaitanya was bathing in a river, a herd of elephants came charging into the water. The Lord splashed water on the elephants and asked them to chant Hare Krishna. When the water touched their bodies, the elephants began chanting, Krishna, Krishna. Some of them danced and others called out in great joy. Balabhadra was amazed to see this miracle. Sometimes Lord Chaitanya's sweet singing would attract the deer in the forest and they would follow him. One day even tigers joined in the party. Lord Chaitanya inspired all of them to chant Hare Krishna. And dance together in ecstasy. Balabhadra was struck with wonder, how was this possible? Wherever the Lord went all the birds, trees and creepers became jubilant. Lord Chaitanya is asking all of us to join him to chant and be happy just like all the animals in the Jarikanda forest. महफूज actually कल एक्चुअली यू में वंडर आश्चर्य होगा कि जानवरों को कैसे उन्होंने नाम बुलवाया उनसे लेकिन तो पापा ने पचास साल के पहले हिपियों को भी बुलवाया ना <laughs> <laughs> वो लोगों का जीवन ऐसा ही था है? सब तरह के गलत आतों में फंसे थे तो नाम में वो शक्ति है हृदय के मल को मिटाने की शक्ति और प्रेम कृष्ण प्रेम को जगाने की शक्ति खास करके ये देने के लिए वहाँ पर आया श्री चैत्र महाप्रभु की श्री श्री गौरिताय की शैलप्रभपात की थैंक हरे कृष्ण